क्राउड सर्वर राइट नाउ, रिकॉर्डिंग इज इन प्रोग्रेस राइट नाउ. अच्छा गाइस, हमारा जो सेकंड प्रोजेक्ट है ना, इट्स रिलेटेड टू मार्केटिंग इनसाइट्स. आप मार्केटिंग एनालिटिक्स की मदद से मार्केटिंग इनसाइट्स कैसे क्रिएट करते हो, उनसे डेटा कैसे डिराइव करते हो, उस डेटा की मदद से कंक्लूजन तक कैसे पहुँचते हो. आज मैं आपको प्रोजेक्ट टू का ओवरव्यू दूंगा, तो उसे स्टार्ट करते हैं. लेट मी नो व्हेन यू कैन सी माय स्क्रीन. ऑलराइट, मेरी स्क्रीन आप सब दोस्तों को दिखाई दे रही है, काइंडली मुझे चैट के अंदर या बात करके बता दें मेहरबानी होगी आपकी. जी सर, आ रहा है. यस सर, परफेक्ट परफेक्ट. ओके तो गाइस, हमारा जो सेकंड प्रोजेक्ट है ना, आपने जब इसे स्टार्ट करना है तो इसे एक्सेस करने के लिए आप प्रोजेक्ट ओवरव्यू में आएंगे. उसके बाद आपने यहाँ पे जाके सबमिट करना होगा, बट हम इन सारे स्टेप्स को वन बाय वन गो थ्रू कर लें, ताकि अक्सर लोगों को जो कन्फ्यूजन होती है उसको हम क्लियर आउट कर सकें. इस प्रोजेक्ट के अंदर आपके ना तीन चार डेरिवेटिव्स हैं. पहला डेरिवेटिव ये है कि आपने एक प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स चूज करने हैं. प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स को चूज करने के बाद आपने उनके रेलिवेंट केपीआई डिसाइड करने हैं. जब ये दोनों आप कर लेंगे तो उन दोनों को देखते हुए आपने ए बी टेस्ट डिजाइन करना है, उसकी कंक्लूजन निकालनी है. ये आपका प्रोजेक्ट का पहला ऑब्जेक्टिव है. दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि आपने गूगल एनालिटिक्स की मदद से रिसर्च सेगमेंट्स के अंदर डेटा निकालना सीखना है, कि उसे डेटा को ढूंढते कैसे हैं. दूसरा होगा कि उस डेटा को ढूंढने के बाद उस डेटा से आपने डिसीजन कैसे लेनी है, और उस डिसीजन की मदद से आप कोई फ्यूचर प्लान या आगे की कंक्लूजन कैसे निकालते हैं. तो दिस इज द होल समरी ऑफ द प्रोजेक्ट. एक बार एक खुल जाए, मैं आपको फिर होस्ट से गहराई में बता देता हूँ. आप सबको मैं स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर, जी जी नजर आ रही है. परफेक्ट परफेक्ट. अच्छा, तो हमारा प्रोजेक्ट ये है, ड्रॉ इनसाइट्स फॉर मार्केटिंग डेटा. मार्केटिंग डेटा से हमें इनसाइट्स निकालनी है. अब उसके लिए क्या है, चाहे आप फ्रेश यूज स्टार्ट कर रहे हो, चाहे आप किसी और का गूगल एनालिटिक्स का अकाउंट यूज कर रहे हो डिजिटल मार्केटिंग इम्प्लीमेंटेशन के लिए, आपको एक जगह से स्टार्ट करना पड़ता है इन तमाम चीज़ों की रिपोर्ट्स निकालने बनाने के लिए, उन्हें एनालाइज करने के लिए, उनमें से डेटा निकाल के समझने के लिए. तो ये जो प्रोजेक्ट है ये उसके फाउंडेशनल स्टेप्स पे बेस्ड है. इसके अंदर आप एनी पॉइंट आइडेंटिफाई करते हैं अपने गोल्स को, उन्हें कैसे अप्रोच करना है, गूगल एनालिटिक्स की कैसे फ़ायदा उठाना है आपने, असेसमेंट कैसे करनी है, डेटा को एक्सप्लोर कैसे करना है, उस डेटा जो आपने एक्सप्लोर किया है उसे सेगमेंट्स में कैसे बांटना है. पहला हाँ जो पार्ट है वह है कि मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव क्रिएट, की बिजनेस ऑब्जेक्टिव क्रिएट करना है हमने. की बिजनेस ऑब्जेक्टिव कैसे क्रिएट करनी है, क्या चीज़ होती है, हमने पिछले प्रोजेक्ट्स में ऑलरेडी सीखा हुआ है, बट इसे जल्दी से समराइज कर लेते हैं. ये एक डिफाइंड गोल या आउटकम होती है जो आप प्लान कहते हैं अपनी कंपनी की डायरेक्शन के लिए. अगर आपने कंपनी को सेल्स की तरफ लेके जाना है, आपने अपने फॉलोअर्स सब्सक्राइबर्स बढ़ाने हैं, आप चाहते हैं कि आपकी लीड लिस्ट में लोग ज़्यादा लोग आ जाए, जो भी आपका की बिजनेस ऑब्जेक्टिव होता है आप उसे डिफाइन करते हैं. आपका की बिजनेस ऑब्जेक्टिव स्मार्ट होना ज़रूरी है. स्मार्ट होता है स्मार्ट, मेजरेबल, अटेनेबल, रेलिवेंट एंड आई थिंक ट्रस्टवर्दी है, कि इसमें याद नहीं आ रहा. अच्छा, तो आपने स्मार्ट की मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव के लिहाज से बनाना होता है, ठीक है. अब इसके लिहाज से हमने इधर पांच लिखे हुए हैं, बट हम पांच नहीं, हम सिर्फ तीन पे काम करेंगे. सही है, इन दोनों को आप निकाल दो. Thank you.
यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नो सर। नो सर। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। अच्छा अभी एक सेकंड, हमारे क्लास में कुछ और दोस्त आए हैं। आकिब भाई, आप आपकी परमिशन चाहिए होगी हम रिकॉर्डिंग करें उसके लिए, और उसके अलावा कौन से दोस्त आए हैं हमारे? जी सर मैं टेक्स्ट कर रहा हूँ जी। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू फॉर द परमिशन ब्रदर। लेट्स गेट बैक। तो अभी हम डिस्कस कर रहे थे प्रोजेक्ट टू को। प्रोजेक्ट टू के अंदर जो पहला पार्ट है उसमें हमने की बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को सेटअप करना है। उसके लिए हमें दो की बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स चाहिए, उनको भी हम देख लेते हैं। इस दोनों की हमें जरूरत नहीं है तो इसको भी निकाल दो, इसकी भी जरूरत नहीं है इसको भी निकाल दो। हमें मिनिमम तीन चाहिए। आप अगर तीन कर ले तो काफ़ी है, ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ज्यादा करेंगे आपके लिए बाद में मसला होगा। ठीक है, अब लेट्स डिस्कस की बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। लेट्स स्टार्ट विद अब्दुल कादिर खटक साहब। अब्दुल कादिर भाई जी सर। अच्छा, आप एक बिजनेस में आपको मार्केटिंग मैनेजर रखा गया है या आप उस बिजनेस के ओनर हैं। लेट्स से वो बिजनेस है सॉफ्टवेयर का, आप वेबसाइट्स बना के देते हैं, ठीक है, या आपकी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है। आपके लिए की बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे अपनी ब्रांड को लेके, अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को लेके? सर हम सबसे पहले अवेयरनेस अपने ब्रांड की एडवर्टाइजमेंट करेंगे। नहीं एडवर्टाइजमेंट करेंगे बट किस लिए कर रहे हो आप, गोल क्या आपका, क्या चाहते हो? हमारे पास बहुत नए प्रोजेक्ट्स आए, हमारे पास सेल्स आए, मैंने कहा चीज बिकी आपकी, सही है जी सर, सेल्स हो गया। तो एक ऑब्जेक्टिव आपने सेल्स का बताया। अच्छा अदील भाई, और क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं आपके ऑनलाइन ब्रांड के लिहाज से? सर ब्रांड अवेयरनेस, एक ब्रांड अवेयरनेस और एक सेल्स। ठीक हो गया, ब्रांड अवेयरनेस के लिहाज से हम ये कह सकते हैं हमारे पास ऑर्गेनिक ट्रैफिक ज्यादा है। ऑर्गेनिक ट्रैफिक और पेड ट्रैफिक भी हो सर, कोई ब्रांड अवेयरनेस होनी चाहिए। देखो हो सकती है पेड ट्रैफिक। ओके गुड हो गया, चलें आपके ये दोनों काम हो गए हैं। अच्छा अब आप चाहते हैं कि आपके पास ज्यादा से लोगों के नंबर्स आए, तो उसे क्या कहते हैं अदील भाई, जो हम लोगों का डेटा जमा कर देते हैं या हम लोगों को डेमोग्राफिक्स भी कहते हैं, डेटा कलेक्शन भी कहते हैं सर, डेमोग्राफिक्स। डेमोग्राफिक्स नहीं मैं जी क्वेश्चन कह सकते हैं आप। चले लेट्स पुट इट लाइक इंक्रीज आवर सब्सक्राइबर्स या इंक्रीज आवर लीड्स। ठीक हो गया। अच्छा अब आगे चलते हैं। बिशाद भाई, ये मैंने तो तीन की मार्केटिंग बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स लिखे हैं, क्या आप ये मुझे बता सकते हैं ये स्मार्ट है कि नहीं स्मार्ट? नहीं सर ये स्मार्ट नहीं है क्योंकि ये नंबर्स नहीं है डिफाइंड। बिशाद भाई आपको आवाज आ रही है? मेजरेबल नहीं है और स्पेसिफिक नहीं है, रिलेवेंट नहीं इस तरह सर कि सेल्स में नंबर डाले कि कितना, मतलब कितना सेल्स हमें चाहिए पर मंथ चाहिए उसमें नंबर्स डाले, और ऑर्गेनिक ट्रैफिक में भी नंबर्स डाले कि कितनी परसेंट ट्रैफिक चाहिए, कितनी क्लिक्स चाहिए, और इंक्रीज और लीड्स में भी नंबर डालें कितनी वो जनरेट करनी है, और टाइम परफेक्ट परफेक्ट भी मेंशन करेंगे। आगे आके भाई की बात करते हैं।
शाबाश, सेल्स में भी आप कर सकते हैं, आपने जरा हेल्प करनी है मेरी। जी सर। अच्छा ये सेल्स वाला ऑब्जेक्टिव ऐसे स्मार्ट करना, कैसे करोगे? क्या लिखूंगा मैं तो स्मार्ट करने के लिए, से कैसे लिखूंगा इसे? प्रीवियस सेल से 10% इंक्रीज कर सकते हैं, 10% या 20% सेल्स इंक्रीज, सेल्स 20% दिस मंथ या दिस ईयर हो सकता है, ये दोनों में से। अगर आप एक मंथ में 20% सेल इंक्रीज करना चाहते हैं तो एक मंथ का लिख दें। सर आवाज आ रही है मेरी? शाबाश, इंक्रीज सेल्स बाय 10%। जी अब आइए, पहले इंटरनेट का थोड़ा इशू था। इंक्रीज सेल्स बाय 10% और इसे बाय नेक्स्ट ईयर कर दूं? बाय नेक्स्ट ईयर कर लेते। श्योर श्योर, चलें आगे। फरहान भाई। जी सर। अब मैंने ऑर्गेनिक ट्रैफिक के लिए लिखना है, उसे मैं कैसे लिखूंगा? सर अगर ऑर्गेनिक ट्रैफिक को हमने स्मार्ट बनाना है तो हमें ऑर्गेनिक ट्रैफिक की एक स्पेसिफिक मेजरेबल वैल्यू चाहिए कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक कितनी होनी चाहिए। ओके, गोल आपने बिल्कुल ठीक बात किया। इधर पहले लिखा था ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी लिखा था, पेड ट्रैफिक भी लिखा था, तो इसलिए हमने पेड को निकाल दिया, सिर्फ ऑर्गेनिक के लिहाज से लिख रहे हैं। अब ऑर्गेनिक के लिहाज से लेट्स से कि आपकी एक वेबसाइट है, आपने उस वेबसाइट की ऑर्गेनिक ट्रैफिक इंक्रीज करनी है, तो आप उसका की बिजनेस ऑब्जेक्टिव कैसे लिखोगे? सर जैसे कि इंक्रीज ऑर्गेनिक ट्रैफिक, या फिर ये भी लिख सकते हैं कि कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक ट्रैफिक इनटू लीड्स वगैरह। ओके, उसे हम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, इधर आप इंक्रीज ऑर्गेनिक ट्रैफिक लिख आए थे, वो ये ठीक है, इसमें कुछ और भी डालेंगे जरूरत है? इंक्रीज ऑर्गेनिक ट्रैफिक फ्रॉम या 10% 20% इस तरह कुछ मतलब टर्म्स लिख देंगे कि जिससे लगे कि हम जो ना अपने ऑब्जेक्टिव्स को एडवांस करते जा रहे हैं, कुछ अचीव करना चाह रहे हैं। इधर मैं अगर मैं इधर लिख दूं इंक्रीज ऑर्गेनिक ट्रैफिक बाय 200%, स्मार्ट होगा? जी सर, और अगर उसमें टाइम मेंशन कर दे तब ये स्मार्ट होगा, क्योंकि इसमें टाइम फिलहाल मेंशन नहीं है। आके भी ये क्यों स्मार्ट नहीं है बताओ? सर अभी स्मार्ट इसलिए भी नहीं, इसमें अगर टाइम ड्यूरेशन 5 साल के दें तो तब ये स्मार्ट हो सकते हैं सर। और टाइम ड्यूरेशन हम इसमें लिख देते हैं बाय 1 मंथ, तो स्मार्ट क्यों नहीं है? तो सर एक मंथ में ये पॉसिबल नहीं है, अगर कोई है ऐसा बंदा तो मुर्शिद। एग्जैक्टली, तो यही मैं एक्चुअली पॉइंट आप लोगों को माइंड करवाना चाह रहा था कि स्मार्ट होने के लिए उस चीज़ का रिलायबल होना बहुत इंपॉर्टेंट है, अटेनेबल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कोई चीज़ ऐसी लिख देता हूँ जो कि मुमकिन ही नहीं है तो स्मार्ट नहीं होगा वो। ठीक है, आपने बिल्कुल सही पॉइंट था। इंक्रीज ऑर्गेनिक ट्रैफिक बाय लेट से अगर मैं लिख देता हूँ 40% बाय द एंड ऑफ ईयर, तो ये फिर भी स्मार्ट है, क्योंकि आप पूरा साल ले रहे हो, सिर्फ 40% बढ़ा दो तो ये काफ़ी रियलिस्टिक है। ठीक हो गया। बट अगर मैं लिख देता हूँ कि इंक्रीज ऑर्गेनिक ट्रैफिक बाय 400% बाय द एंड ऑफ ईयर, तो ये मुश्किल हो जाएगा काफी। सबको समझ में आ रही है बात? जी सर। गुड गुड, चलो अब ये लीड्स की बात हो रही है। लेट्स से मैं यूट्यूब का चैनल है, मैं सब्सक्राइबर्स पे काम कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा मिश्रा भाई आप बताएं इसके लिए स्मार्ट ऑब्जेक्टिव क्या होगा? जी सर, सब्सक्राइबर्स है आपके यूट्यूब का चैनल, आपने सब्सक्राइबर्स इंक्रीज करने हैं, तो क्या होगा उसके लिए स्मार्ट ऑब्जेक्टिव आपका? सब्सक्राइबर सर फॉर एग्जांपल हमने इस मंथ में इंक्रीज करने हैं 10% 20% इस तरह, एक मंथ में बढ़ाने, ये स्मार्ट हो गया। एक सेकंड, सॉरी मैं दोबारा लिखता हूँ। इनकी सब्सक्राइबर्स बाय 20% का आपने? जी सर। अच्छा मेरा सॉरी यहाँ पे सवाल है, हमने लाजमी ये परसेंटेज में लिखना है या हम ये भी कर सकते हैं कि इंक्रीज सब्सक्राइबर बाय 100? बिल्कुल बिल्कुल, गुड पॉइंट आपका।
जी आप बिल्कुल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने ये 20% की बजाय आप ये लिख दें कि मैं 150 सब्सक्राइबर्स लाना चाहता हूँ पर मंथ, हर महीने। परसेंटेज जो है वो डेरिवेटिव होती है, आप उसकी बजाय बेसिक हो जेनेरिक नंबर भी दे सकते हैं, बट एज लॉन्ग एज आप उसे डिफाइन कर रहे हैं ना, तो आपका की मार्केट बिजनेस ऑब्जेक्टिव क्लियर है। डस जी दिस हेल्प ब्रदर? यस सर। परफेक्ट। चलो एक और कहते हैं, मैं एक क्या कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट चलाता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मेरी वेबसाइट पे लोग जो है ना आके अपनी इंफॉर्मेशन लीड भरे मेरी, ठीक है, लीड्स का काम है, तो लीड्स के लिए मैं कैसे स्मार्ट बिजनेस ऑब्जेक्टिव लिखूंगा? साथ भाई आप बताएं। सर हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि इंक्रीज लीड्स या कम देना लीड्स जनरेशन बाय इंक्रीज लीड जनरेशन बाय 10% 20% इस तरह पर मंथ या कम देना पर 2 मंथ या पर 15 डेज इस तरह भी हम लिख सकते हैं। शाबाश। बाय 20% पर मंथ आपने कहा। अच्छा, अगर टाइम इसकी जो भी जगह दे मैंने सकते हैं। कहना होता, श्योर, अगर इसकी जगह मैंने लिखना होता कि मैंने इंक्रीज नहीं करनी है बल्कि मैंने कन्वर्जन रेट इंक्रीज करना। फॉर एग्जांपल मेरी हाँ वेबसाइट वो पे भी देख सकते हैं। 4,000 लोग आ रहे हैं, उनकी कन्वर्जन रेट करनी है, तो हम उसे कैसे लिखेंगे? कन्वर्जन ऑफ आर्गेनिक ट्रैफिक इनटू लीड्स जनरेशन या इनटू लीड्स बाय 20% या कम इस तरह हम लिख सकते हैं। और इसमें हम टाइम भी कन्वर्ट डाल सकते हैं जी, कितने टाइम में। कन्वर्ट 100 लीड्स इनटू ओके सेल्स। ओके, शाबाश। कन्वर्ट 100 लीड्स इनटू सेल्स, आगे कुछ लिखूंगा? काफी इतना नहीं आगे भी लीड्स लिखना फॉर मंथ बताए क्या या लिखूंगा? नेक्स्ट मंथ इन अ हंड्रेड मंथ लीड्स इनटू सेल्स इन इन द नेक्स्ट मंथ, इन द ये नेक्स्ट कह रहे मंथ हैं आप? जी सर। ठीक है, लीड्स और अगर आपका सेल्स प्रोजेक्ट जी, आप ना बात भी कहें, क्या कह रहे हैं आप? सर मैं कह रहा हूँ ये लीड्स और सेल में थोड़ा डिफरेंस पता है। लीड्स क्या होते हैं सेल्स जी मैं आपको ये बता देता डिफरेंट हूँ, कैसे। गुड क्वेश्चन, श्योर श्योर, मैं इसे लिख भी देता हूँ ताकि मैं भूलूँ ना। डिफरेंस बिटवीन लीड्स एंड सेल, एक ही क्वेश्चन आपका, आपके भाई आपका क्या क्वेश्चन आपने हाथ खड़ा किया हुआ है? सर यही क्वेश्चन है कि लीड्स साइनअप्स को हम कहते हैं सर, जो कोई आके उधर अपनी इन्फॉर्मेशन इनपुट कर देते हैं। जी, मैं बिल्कुल आपने सही डिफाइन कर दिया। लीड्स या भाई वो हर चीज है जो कि कहता है कि मैं इंटरेस्टेड हूँ आपकी चीज बाय करने में। अभी इसने बाय नहीं किया, अभी इसने चीज खरीदी नहीं है, बट वो इंटरेस्ट शो कर रहा है, तो हमारी लीड या प्रोस्पेक्ट के एरिया में आता है। बट वंस उसने चीज बाय कर ली है, तो लीड और प्रोस्पेक्ट के एरिया से मेच्योर होके कन्वर्जन या सेल के एरिया में चले जाता है। अच्छा क्या इस ये सर बात समझ आ रही है सब दोस्तों को? ये मतलब यस लाइक सर। अगर कोई भी इंक्वायरी अगर करेगा हमारे प्रोडक्ट की या हमारे सर्विसेज की तो वो लीड में आएगी। जी साहब, में जी सर समझ में आ गई सर। जो इंटरेस्टेड है वो हम लीड्स में डालेंगे और आपकी जो आवाज, आपकी आवाज कट कट के आ रही है साहब, दोबारा बताएंगे आप? लीड से वो इंटरेस्ट में आ रही है जो लोग इंटरेस्ट शो कर रहे हैं चाहे किसी भी तरीके से तो वो हम लीड्स में डालेंगे और जो सेल्स हो रही है जो बिक रही है परचेजिंग हो रही है तो वो हम सेल्स में डालेंगे। तकरीबन आपने ठीक डिफाइन कर दिया। मैं वो इसकी ना एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ये मेरी वेबसाइट है जिसका नाम है मिसाल के तौर पे लेट्स गो टू डायनोनेक्स, ठीक है, ये एक मेरी वेबसाइट है, एक मेरी वेबसाइट है सूफी डिजिटल, खुल जाए ना इसको एक आधी। तो
या मैं इंटरनेट के लिए माफी चाहता हूँ, आई डोंट नो कि इतना स्लो क्यों आ रहा है एट दिस टाइम। सर आज तकरीबन सारे इंटरनेट मसला है। क्या कोई एक केबल वगैरह कट गई है समुंदर के अंदर? ये मेरे ख्याल में बैकएंड पे जो वेबसाइट ओपन हो रही है इसी वजह से टाइम लग रहा है। प्रोबेबली हो सकता है। अच्छा ये मेरी वेबसाइट अब दिखाई दे रही है ये वाली जो है? जी सर। जी सर। जी ओके। इसमें ये वैसे मैं नीचे कर देता हूँ, लाइट नीचे आ जाओ। ओके अब ये मैं लेट्स टॉक पे क्लिक करता हूँ। जब मैं ये लेट्स टॉक पे क्लिक करता हूँ, यहाँ साइन अप पे क्लिक करता हूँ, यहाँ मैं किसी भी जगह पे इंफॉर्मेशन पुट करता हूँ, वहां पे कहता हूँ मेरा नाम मोहम्मद मोहसिन है, मैं ये मेरी वेबसाइट है, मैंने इसकी मार्केटिंग करवानी है। तो जब ये प्रोसेस गो थ्रू करता हूँ ना, तो उस प्रोसेस के बाद जब वो मैं जब ये मैंने इंफॉर्मेशन दी है, एट दिस टाइम मैं एक प्रोस्पेक्ट या लीड हूँ, बट जब वो मेरे से बातचीत करते हैं, मुझे उनकी बातें पसंद आती हैं, मैं उनसे उन्हें पैसे दे के उनकी चीज़ खरीद लेता हूँ, तो मैं उधर से लेके अगले पॉइंट पे कन्वर्ट हो गया। और ये जो अमल है ये जब कम्प्लीट हो जाता है, तो हर दफ़ा जब एक सेल होती है तो वो कन्वर्जन कहलाती है। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये स्टूडेंट रिसोर्स की वेबसाइट दिखाई दे रही है आप लोगों को? सर अभी तक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी वाली ही है। सॉरी लेट मी नो व्हेन यू कैन सी द स्टूडेंट रिसोर्स वेबसाइट। नहीं नजर आई अभी भी? No, sir. So let me share again. Can you see it now? जी सर अब आ रही है। जी सर। जी सर अभी नजर आ रही है। बेहतरीन। अच्छा ये एक ई-कॉमर्स वेबसाइट है जो किताबें बेचती है, ठीक है? ये भी आपकी साइट के लिए ये नहीं, ये मेरा क्लाइंट है। अब ये एक वेबसाइट है जो कि किताबें बेचती है, ठीक है? अब इनके गोल्स क्या है? इनके गोल्स के हिसाब से हम की मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स को समझते हैं। पहला इनका गोल्स है सेल इंक्रीज करना, ठीक है? ऐसे ही है? जी सर बिल्कुल। जी गुड। दूसरा इनका गोल होगा कि लोग इनकी ईमेल लिस्ट को ज्वाइन कर लें, ताकि जब भी ये कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करे उन लोगों को ईमेल आ जाए। मैं आपको उसके साथ एग्जांपल्स भी दिखाता रहता हूँ ताकि आप लोग देख के समझ सकें। अच्छा जी ये आपको सेक्शन दिखाई दे सब्सक्राइब टू आवर न्यूज़लेटर। जी सर। जी सर। ये किस लिए होता है कोई मुझे बताएगा? ये सर बेसिकली हमारे जो न्यूज़लेटर होता है ना, जितना भी फिर हमारे पास न्यू कंटेंट आती है वेबसाइट पे या ऑफर्स होती हैं, वो हमारे ईमेल लिस्ट में आ जाती है। फिर हम उनको या तो नोटिफिकेशन के थ्रू नोटिफिकेशन जाती है, या हम फिर उनको ईमेल कैंपेन्स भेज सकते हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अब ये वाली बात को लेके आगे समझते हैं। अब इनका काम तो है भाईजान कि ये लोग किताब केक्स बेचते हैं, ठीक है? ये गिफ्ट वगैरह बेचते हैं, तो एक ईमेल न्यूज़लेटर का उनके लिए क्या फ़ायदा होगा? उनका फ़ायदा ये होगा जब भी कोई नया इवेंट आ रहा है, मिसाल के तौर पर अभी क्रिसमस का इवेंट आ रहा है, न्यू ईयर का इवेंट आ रहा है, तो ये ऑफर चला देंगे कि भाईजान हमने क्रिसमस के लिए एक नया ऑफर लॉन्च किया 20% ऑफ, न्यू ईयर के लिए हमने एक नई ऑफर लॉन्च किया जिसमें हम 30% ऑफ दे रहे हैं, आए अपने घर वालों के लिए अपने रिश्तेदारों के लिए गिफ्ट बाय करें, ठीक है? अब ये इसलिए लोगों का लोग डेटा इकट्ठा करते हैं, उनकी ईमेल्स लेते हैं, उनके नंबर्स लेते हैं, ताकि जब भी उन्होंने दोबारा सेल करनी हो, दोबारा साइकिल करवाना हो, दोबारा कन्वर्जन करवानी हो, बायआउट करवाना हो, तो दोबारा उसको ईमेल करें, ईमेल करके उन तक पहुंच सके। ये बात सबको समझ में आ गई है? जी सर। अच्छा जी सर। इस
इतने से एरिया के लिहाज से ए बी टेस्टिंग कहते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है सब्सक्राइब टू आवर न्यूज़लेटर, गेट ऑल द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन वगैरह वगैरह ऑन इवेंट सेल्स ऑफर। तो यहाँ पे आप ईमेल एड्रेस डालते हैं, जो भी आपका ईमेल एड्रेस है, यहाँ पे आप सब्सक्राइब नाउ का बटन दबाएंगे उन्हें चल जाएगा। अगर मैं ये सब्सक्राइब टू आवर न्यूज़लेटर हो इसके जगह ये गेट ऑल द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन की बजाय लिख दूँ कि सब्सक्राइब टू आवर न्यूज़लेटर एंड गेट 20% ऑफ ऑन योर नेक्स्ट पे आउट या ऑन योर नेक्स्ट परचेज, तो क्या ये लोग ज़्यादा लेंगे या कम लेंगे? ये मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? जी सर, अब उनको पहले ही ऑफर दे रहे हैं इतने आने वाले। राइट, अब इसको एग्जांपल्स की वजह से मैं आपको दिखाता हूँ। एक हम इसको ले लेते हैं, ठीक है, ये पकड़ मैंने कॉपी कर लिया, इसको पकड़ डाला मैंने वर्ड के अंदर। गाइस इधर अजान हो रही है तो हम 2-3 मिनट की ब्रेक ले सकते हैं, उसके बाद कंटिन्यू कर लें। यस सर, ओके ओके, थैंक यू गाइस। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप सब लोग वापस आ गए? जी वालेकुम सलाम। ओके गुड। अच्छा अभी ना हम एक जल्दी से एक चीज को कैटर करना चाह रहे हैं कि एबी टेस्ट जो है ना वो है ब्ला क्या है, उसको हम कैसे समझ सकते हैं। ये मैंने एक छोटा सा एबी टेस्ट क्रिएट किया जल्दी से ताकि आप लोगों को दिखा सकूं। अब एग्जांपल है, आप लोगों को मार्केटिंग मैनेजर रखा गया है, वो आपको कहा गया है यार आप लोगों ने ना हमारा ईमेल लिस्ट इंक्रीज करवानी। ईमेल लिस्ट क्या होती है अदील? अदील भाई आप हमारे साथ हैं? आई गेस हमारे साथ नहीं है। आकी भाई आप हमारे साथ हैं? जी सर। ओके आकी भाई, ईमेल लिस्ट क्या होती है? सर ईमेल लिस्ट हमारे पास वो बंदे होंगे जिन्होंने साइन अप किया होगा और हमारी नई ऑफर्स के बारे में जानना चाहेंगे कि कौन सी चीज या कौन सी प्रोडक्ट आप नई लॉन्च कर रहे हो और उस पर क्या ऑफर दे रहे हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एग्जैक्टली एग्जैक्टली श्योर। तो इसको ना इजीली अगर डिफाइन किया जाए तो ईमेल लिस्ट वो नंबर ऑफ ईमेल्स होते हैं उन दो लोगों के जिन्होंने अपना ईमेल आपको खुद दिया होता है
कि भैया जब नेक्स्ट टाइम आप कुछ करो या कोई अपडेट हो तो मुझे बता देना, ईमेल कर देना मुझे, ठीक है? सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहें तो ये है, ठीक है? ये वो तमाम लोग हैं जिन्हें आप इजीली बार बार ईमेल कर सकते हैं, वो आपसे चिढ़ेंगे नहीं, ठीक है? अब अपनी ईमेल लिस्ट आपको एज अ मार्केटिंग मैनेजर काम मिला है कि यार ईमेल लिस्ट पे हमारे पास 500 नंबर है, आपने ये नंबर इंक्रीज करने हैं, कैसे करोगे? अब उसके ऊपर हम बहस करने वाले हैं, ठीक है जी सर? यहाँ तक सबको समझ में आ रही है? सारी बटन भी उस तरह का ब्लू कलर का लगाया है, ईमेल भी उस तरह की डाली है, आइकॉन भी वो यूज किया है, बस एक चीज का मैंने फर्क किया। क्या फर्क डाला है कि एक में मैंने लिखा हुआ गेट ऑल द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ऑन इवेंट सेल्स एंड अदर ऑफर्स, दूसरे मैंने लिखा हुआ है कि सब्सक्राइब टू आवर न्यूज़लेटर एंड गेट 20% ऑफ ऑन योर नेक्स्ट ऑर्डर, कि अगर आप हमारे न्यूज़लेटर पे आओगे तो आपका जो अगला ऑर्डर है उस पर 20% हम डिस्काउंट कर देंगे। इसके अंदर हम कह रहे हैं कि अगर आप हमारे न्यूज़लेटर में आओगे तो नेक्स्ट टाइम हमारा जो इवेंट सेल या ऑफर आएगी तो हम बताएंगे। ये इन्फॉर्मेटिव टेस्ट है और ये ऑफर टेस्ट है। एक में आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, दूसरे में आप ऑफर या डिस्काउंट दे रहे हो, ठीक हो गया? यहाँ तक सबको समझ में आ गई है? जी सर। जी सर। जी सर। परफेक्ट। अब एबी टेस्ट को कंप्लीट करने के लिए इम्पोर्टेंट है कि आप एक बराबर तरीके से दोनों को आराम आराम से बांटो। मिसाल के तौर पे दोनों के ऊपर आप एक हफ्ते के लिए एबी टेस्ट रन करोगे, उसमें होगा ये कि आप दो डिफरेंट पेजेस बनाओगे, एक पेज बनाओगे ए वाला, दूसरा पेज बनाओगे बी वाला। ये बनाने के लिए गूगल ऑप्टिमाइज एक सॉफ्टवेयर है, गूगल वालों का फ्री सॉफ्टवेयर है, उसके थ्रू भी आप ये कर सकते हो। दो लैंडिंग पेज क्रिएट किए, दोनों लैंडिंग पेजेस को एक को ए का नाम दे दिया, दूसरे को बी का नाम दे दिया, एक के अंदर आपने ये डाल दिया, दूसरे के अंदर आपने ये डाल दिया। आधी ट्रैफिक आप गूगल ऑप्टिमाइज को कहोगे भाई तुमने इस वाले पेज पे भेजनी है, आधी ट्रैफिक गूगल ऑप्टिमाइज को तुमने इस वाले पेज पे भेजनी है। दोनों पे आधी आधी ट्रैफिक जा रही है, फिर जो आधी आधी ट्रैफिक दोनों पे जा रही है रैंडमली, आप देखोगे कौन से वाले के ऊपर लोग ज्यादा आपको ईमेल डाल के दे रहे हैं, मैंने कौन से के ऊपर ईमेल ज्यादा लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं आपके। इसकी मदद से आपको पता चल जाएगा कि वेदर आपका ये वाला जो है ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है या ये वाला ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ये भी टेस्ट की सबको समझ में आ गई? जी सर। यस सर। शाबाश शाबाश। अब इस डेरिवेटिव कर सकते हैं, हमने ये ऑफर चेंज किया, इसकी जगह हम एक काम ये भी कर सकते हैं कि इधर हमने मसाल के तौर पे ब्लू कलर का बटन डाला है, दूसरे में हम ये करें ब्लू की जगह पे अगर हम इसमें एग्जांपल के तौर पे ग्रीन बटन डाल देते हैं, यहाँ हम सब्सक्राइब ना होगा जो बटन है इसको बड़ा कर देते हैं, तो ये भी ए बी टेस्ट कहलाएगा। मैं आपको उसकी जल्दी से एक दो एग्जाम्पल्स भी बना के दिखा देता हूँ। इसको क्लिक किया मैंने, इसका कोड हो जा भाई चल अच्छा गाइस, इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने सब्सक्राइब का जो बटन है से इंक्रीज कर दिया है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आप दोस्तों को? जी सर। अभी तक तो यस सर।
सॉरी आपको डेमोन्स्ट्रेशन देने में थोड़ा टाइम लगा है मुझे, बट बेसिक आइडिया मैंने आपको ये दिखाना था कि ए बी टेस्ट आप किसी भी चीज के ऊपर कर सकते हो, आप ऑफर के ऊपर कर सकते हो, आप बटन को छोटा बड़ा करके कर सकते हो, आप इसके अंदर कलर्स चेंज करके कर सकते हो। बेसिक आइडिया ये कि आप दो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को एक दूसरे से कंपेयर करते हो, दोनों पे बराबर ट्रैफिक बांटते हो और देखते हो कौन से वाला कॉन्सेप्ट जो है लोगों को ज्यादा पसंद आ रहा है, कौन सा कॉन्सेप्ट है ज्यादा कन्वर्जन लेके आ रहा है, कौन सा कॉन्सेप्ट है जो ज्यादा सेल्स लेके आ रहा है, और फिर उस वाले कॉन्सेप्ट को लेके आप आगे चलते हो। ये बेसिक कहानी है ए बी टेस्टिंग की। ये सब दोस्तों समझ में आ गई है? जी सर। जी सर। यस सर। परफेक्ट परफेक्ट गाइस परफेक्ट। चलिए इस चीज को बिल्डअप करते हैं थोड़ा। हमने की बिजनेस ऑब्जेक्टिव सेट कर लिए थे, हमने लीड तो सेल्स की सबको समझ में आ गई थी या ये क्वेश्चन भी है? आ गई थी सर। क्लियर है सर। परफेक्ट परफेक्ट चलो गुड है, आगे चलते हैं। हमने की बिजनेस ऑब्जेक्टिव क्रिएट कर लिए हैं, अब हमने जब केपीआई क्रिएट करने हैं हमने इन्हीं के लिहाज से केपीआई क्रिएट करना। फॉर एग्जांपल पहला की बिजनेस ऑब्जेक्टिव सेल्स का है, ठीक है, तो इसका केपीआई क्या होगा कोई बताएगा मुझे? सेल्स सेल्स इंक्रीजिंग इंक्रीज सेल्स नंबर ऑफ सेल्स नंबर ऑफ सेल्स पर मंथ। ये किसने बोला है? आबिद ने बताया। शाबाश आबिद भाई। चले ये हमारा पहला हो गया कंप्लीट, दूसरे पे आते हैं। दूसरा क्या है हमारा? ऑर्गेनिक ट्रैफिक इंक्रीज करनी है। अब्दुल कादिर भाई ऑर्गेनिक ट्रैफिक के लिए केपीआई क्या होगा जल्दी से बताएं। सर जो हमारे वेबसाइट पे विजिट्स आते हैं वो मंथली हो रहे हैं कि नहीं, अगर हमने मतलब बिल्कुल सही बता रहे हैं। लिखूंगा क्या ये बताएं मुझे आप, साहब ने बताया बिल्कुल ठीक है बट इसे लिखेंगे कैसे? ऑर्गेनिक ट्रैफिक इंक्रीज पर 10 डेज या पर वीक हम कर देंगे सर। इंक्रीज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक ट्रैफिक ये ठीक है पर वीक सर। नंबर ऑफ विजिटर्स हो जाएगा। अच्छा और अदिल भाई अगर फॉर एग्जांपल आपका सब्सक्राइबर्स इंक्रीज करने हैं आपने तो उसके लिए केपी क्या होगा? यस सर। सब्सक्राइबर्स इंक्रीज करने हैं उसके लिए केपी क्या लिखेंगे आप? यस सर। सर जो नंबर हमने वन ईयर के लिए तय किया है उस जी सर जो हमने वन ईयर का नंबर है फर्स्ट करें 10% 20% तो उसको डिवाइड करेंगे 12 हिस्सों में और पर मंथ का हिसाब करेंगे 1% या 2% पर मंथ। गुड, अगर हमने कहा है हमने पर मंथ 150 सब्सक्राइबर इंक्रीज करने हैं फॉर एग्जांपल तो कैसे लिखूंगा मैं? नहीं नहीं अदिल भाई मैं पूछ रहा हूँ कि अगर हमने केपी सेट किया कि हमने 150 इंक्रीज करने हैं तो उसके लिए केपी कैसे लिखेंगे? सॉरी इंक्रीजिंग 150 सब्सक्राइबर पर मंथ। अच्छा इसमें ना नंबर्स लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप लिख लो तो अच्छी बात है बट इस टाइम भी आप लिख सकते हो इंक्रीज इन। सर कैसे लिखेंगे मुझे समझ नहीं आ रही आपके सवाल की, ऐसे ही लिखेंगे कि इंक्रीजिंग 150 सब्सक्राइबर पर मंथ। मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं आपने ना न्यू सब्सक्राइबर्स पर मंथ हो ऑब्जेक्टिव हमने सेट किया 150 सब्सक्राइबर करना तो इसका केपीआई हो गया नंबर ऑफ सब्सक्राइबर जो आके सब्सक्राइब कर रहे हैं। अब अगर वीक के लिहाज से आप चेक करना चाहते हैं एक वीक में कितने किए एक हफ्ते में कितने किए या एक दिन में कितने किए तो आप ये सेट कर सकते हैं आप गोल के लिहाज से जा रहे हैं या नहीं जा रहे तो एक वीक से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक मंथ में कितने सब्सक्राइबर हो जाएंगे। तो नंबर आप कर सकते हैं सर कि अगर महीने में हम 4 वीडियोस अपलोड करते हैं पर वीडियो हमें कम से कम 40 इंक्रीज करने हैं। राइट तो पॉइंट क्या आपका क्वेश्चन नहीं समझा मैं?
सर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम कहेंगे ना कि महीने में हम 4 वीडियोस अपलोड करते हैं यूट्यूब पे, तो हम अपने सब्सक्राइबर्स के लेके हर पर वीडियो हम हमारे 40 सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं, तो हमारी ये केपीआई हो सकती है कि पर वीडियो हमने 40 इंक्रीज करने हैं, तो 4 के बाद 4 वीडियोस के बाद हमारा 150 टारगेट पूरा हो जाएगा। जी जी ऐसे ही है, ऐसे ही है। अच्छा आगे चलते हैं, हमारी क्लास में से दो बच्चे चले गए, आई थिंक दिल भाई और एक भाई चले गए। अच्छा आगे है, हमने 1000 लीड्स जो हैं उन्हें कन्वर्जन में कन्वर्ट करना है, इनटू सेल्स कन्वर्ट करना है, ठीक है। इसके लिए केपीए कैसे लिखेंगे, बशाद भाई आप बता सकते हैं? ऑब्जेक्टिव क्या है सर मुझे? ऑब्जेक्टिव है आपने लीड्स साइन इन इंक्रीज करनी है, मिसाल के तौर पे आपने साइन इन इंक्रीज करनी है, ठीक है। लीड्स इसके लिए ऐसे साइन इन इंक्रीज करेंगे तो ये होगा नंबर ऑफ सेल्स पर मंथ, क्योंकि साइन इन तो मेरे ख्याल में सेल्स होंगे। मैं के माफी चाहता हूँ कि आवाज में समझ नहीं आया, क्या कहना चाह रहे हैं साइन इन की। अब मैं ऐसे लिखूंगा इंक्रीज, क्या लिखूंगा ऐसे लिख दूं बस। मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ जी हाँ जी बताए। नंबर ऑफ न्यू सब्सक्राइबर्स इस तरह लिख लेते हैं, नंबर ऑफ न्यू सब्सक्राइबर्स तुमने ऊपर लिख लिया। इधर हम बात कर रहे हैं कि हमने न्यूज़लेटर सब्सक्राइबर्स कर ले। यस एग्जैक्टली 10 इन पर मंथ होगा अभी हमने क्या करना है, एबी टेस्टिंग प्रपोजल क्रिएट करना है, ठीक है। प्रपोजल क्या होता है आबिद भाई? आके भाई सर जहां तक मुझे पता है तो प्रपोजल में आप वो सारी चीजें बताते हैं जो आप अभी करने जा रहे हैं सर। बिल्कुल ऐसे ही है प्रपोजल यार, बेसिकली ना आप एक आइडिया कॉन्सेप्ट देते हो कि दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू डू एंड दिस इज समथिंग दैट आई वुड लाइक टू टेस्ट आउट, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में यही है। अब इधर हमसे क्या पूछा जा रहा है उसको एक बार गौर से रीड करते हैं, एक सेकंड में से थोड़ा जूम कर लूं ताकि आप लोग रीड कर सके। जूम कहां से कर रहे हैं? अच्छा अख्तर मुनीर भाई आपकी परमिशन चाहिए रिकॉर्डिंग के लिए। सर ओके परफेक्ट। आप सब लोग ये रीड कर पा रहे हैं? जी सर। ओके परफेक्ट। तो यहाँ पे कह रहा है कि ऊपर जो आपने केपी से आइडेंटिफाई किए हैं पार्ट वन के अंदर, उसमें से एक को चूज कर लें जिसके अगेंस्ट आपने ए बी टेस्ट क्रिएट करना है, ठीक है। उसके अगेंस्ट एक वेरिएबल क्रिएट करें जो कि उस केपी पे इम्पैक्ट करे, उस मैट्रिक पे इम्पैक्ट करे। एक हाइपोथेसिस क्रिएट करें कि आप क्या समझते हैं क्या होगा, उस हाइपोथेसिस की मदद से उस वेरिएबल को टेस्ट करें और उसकी एक एक्सप्लेनेशन बताएं अपनी रीजनिंग के बारे में, आप ये क्यों टेस्ट कर रहे हैं, वो तमाम स्टेप्स बताएं इस टेस्ट के अंदर। बट ये टेस्ट करने की जरूरत नहीं है आपको, इस टेस्ट के अंदर आप इनका रिजल्ट बताएं कि आप क्या डिटरमिन करना चाह रहे हैं और अपने रिस्पॉन्सेस को नोट्स को इन आने वाली स्लाइड्स में बयान करें। अब हमने अगर इनमें से कोई एक की ऑब्जेक्टिव ले लेते हैं, मिसाल के तौर पे हमने अल्लाह वल्ला करें अपनी ऑर्गेनिक ट्रैफिक इंक्रीज करवानी है, यहाँ पे हमने कोशिश करनी है कि हमारे सब्सक्राइबर्स मिसाल के तौर पर इंक्रीज हों, या हमने कोशिश करनी है कि हमारे लीड्स जो है ज्यादा आए। तो हम एक ऑब्जेक्टिव ले लेते हैं, हम ले लेते हैं न्यूज़लेटर सब्सक्राइबर्स इंक्रीज करने, क्योंकि अभी हमने इसका टेस्ट भी किया है।
ठीक है, आगे चलते हैं। कौन सा केपी हम ले रहे हैं वही बताएगा मुझे अब्दुल कादिर खटक भाई, बताओ हम कौन सा केपी ले रहे हैं सर? ये सेल इज लीड्स इंक्रीज करने वाले सर, जो लीड्स जनरेशन। एग्जैक्टली, हमने ये वाला केपी चूज किया नंबर ऑफ न्यूज़लेटर सब्सक्राइबर्स। जी जी बताओ, पार्ट 2 और पार्ट 2 पार्ट 2 और पार्ट 1 दोनों इंटरलिंक्ड होने चाहिए या नहीं? अगर ऊपर हमने कुछ और लिख लिया, नीचे अगर हम ए बी टेस्ट में हम कहें कि यार हमारी जो नहीं, ये इंटरलिंक्ड है। अच्छा, आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 इंटरलिंक्ड है, आगे वाले कुछ पार्ट्स हैं जो कि इन दोनों से ताल्लुक नहीं रखते हैं, बट ये दोनों पार्ट तो लाजमी इंटरलिंक्ड है। जो के पी आई ऊपर लिया वो उससे रिलेटेड ही हमने ए बी टेस्टिंग करनी है। एग्जैक्टली जी सर। तो भाई आपको कोई क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन सर? मेरा तो अभी वो अभी तो मुझे समझ नहीं आ रही आप क्या डिस्कस कर रहे हैं। एबी टेस्टिंग मेरा जो प्रोजेक्ट है ना सर, उसमें मुझे वो दो तीन वो इशू आ रहे थे, मैंने आपको वो ऐसे मैसेज भी किया था सर। तो मुझे सर वो पहले प्रोजेक्ट पे है, मैं दूसरी पर हूँ सर। अच्छा अच्छा अच्छा, इसलिए आपको इस समय तो इशू आ रहा है। बेसिकली ना अभी हम प्रोजेक्ट 2 की बात कर रहे हैं, आप एक्चुअली आज क्लास में भी लेट हैं, तो पहले हमने ना 5-10 मिनट हम यही पूछा था सब दोस्तों से कि इनका पहला प्रोजेक्ट कम्प्लीट हो गया, किसी को इश्यू तो नहीं आ रहा। तो आप अभी टेंशन ना लें, आप कोशिश करें जितना आपको समझ में आती है समझने की। अभी हम प्रोजेक्ट 2 की बात कर रहे हैं, बट इंशाल्लाह जब क्लास हो जाएगी तो मैं आपके पहला प्रोजेक्ट जो उसमें भी करूंगा, और सब दोस्तों को बताऊंगा। कल भी एक एक्स्ट्रा क्लास है जो कि इस प्रोजेक्ट को केटर करने के लिए मैंने सेटअप किया है, तो उसमें भी हम देखेंगे इसको। होगा उसके अलावा भी आप दोस्तों को एक्स्ट्रा क्लासेस चाहिए। जी जी, कल की क्लास की टाइम सब क्या होगी वो अभी हम डिसाइड कर लेते हैं क्लास के आखिर में, आज की क्लास के आखिर में डिसाइड कर लेंगे। आई थिंक 4-6 कर लेते हैं, या जो भी आप दोस्त कहेंगे ना, 6-8 करने, 8-10 करना, जो भी आप दोस्त कहेंगे उतना कर लेंगे। ठीक है सर, चलिए ठीक है। तो सर इसके लिए आपको मैसेज भी करना पड़ेगा ताकि आप भी उनको आगे कुछ रीजनिंग दे सकें। ऑलरेडी हमने, मैंने पूछ लिया इसके बारे में। ये एक्चुअली लास्ट क्लास जब हुई थी ना, तब हमने इसको डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने उस मुझे मैसेज आ गया था, पता नहीं मिस मदीहा ने किया था या एक और मिस है मुझे उनका नाम भूल गया, उन्होंने आई थिंक मुझे मैसेज किया था, वो मैसेज मैंने फॉरवर्ड करके परमिशन ले ली थी। तो इस संडे को एक्स्ट्रा क्लास है हम लोगों की, आप दोस्त बता दीजिएगा किस टाइम करनी है, हम उस टाइम को से ऑर्गेनाइज कर लेंगे। ठीक है आकिब? जी सर, ठीक है, परफेक्ट। अच्छा अख्तर भाई, जल्दी से आपको एक समय दे दूं, अभी तक हमने क्या बातें कर ली हैं और क्या हम करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक हमने डिस्कस कर लिया कि प्रोजेक्ट 2 को हमने कैसे डील करना है। प्रोजेक्ट 2 के अंदर 5 बेसिक चीजें हैं। पहला पार्ट ये है कि आपने की बिजनेस ऑब्जेक्टिव और केपीआई डिसाइड करनी है। ठीक है, ये वो सेम चीज है जो आपने पिछले प्रोजेक्ट में किया है, कोई नई चीज नहीं है। आपने केपीआई बनाना है, आपने की उसका की बिजनेस ऑब्जेक्टिव क्रिएट करना। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि आपने जो केपीआई की बिजनेस ऑब्जेक्टिव चूज किया उसमें से एक को चूज करते हुए उसके अगेंस्ट एपीआई टेस्टिंग का प्रपोजल बनाना है। करना नहीं है, बस प्रपोजल बनाना है कि मैं इस चीज को टेस्ट कर रहा हूँ, ऐसे टेस्ट कर रहा हूँ, ये मेरी फाइंडिंग्स होंगी और इसका ये मकसद होगा। ठीक हो गया? जी सर, जी सर। अभी आप क्लास के साथ मिल गए? जी जी जी, बिल्कुल, परफेक्ट परफेक्ट, थैंक यू सर। यू वेलकम, यू वेलकम। आपका हाथ अभी खराब, मैं इसे नीचे कर देता हूँ। जी ओके। अच्छा गाइस, इसके ऊपर वापस आते हैं। एवी टेस्टिंग के लिए से हमने एक केपीआई चूज किया, उसे हमने अब यहाँ पे पुट कर दिया कि हमने नंबर ऑफ न्यूज़लेटर सब्सक्राइब जो है वो इंक्रीज करने हैं। नंबर ऑफ न्यूज़लेटर सब्सक्राइबर्स इंक्रीज करने के लिए हमने वेरिएबल कौन सा चूज करना है, वो मैट्रिक क्या होगा उस वेरिएबल को तो लिखते हैं। मिसाल के तौर पे हम इधर चूज कर रहे हैं, मैं आपको एग्जांपल दिखाई थी ये वाली, कि हम इसका बटन इंक्रीज करके देख रहे हैं। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर, क्या सबको स्क्रीन नजर आ रही है? मुझे नहीं नजर आ रही। अच्छा, मैं एक सेकंड बाद देखता हूं। भाइयों, आप सबको नजर आ रही है? मैं दोबारा शेयर कर लूं सर। नजर आ रही है अभी? जी सर, नजर आ रही है। मैंने क्या खोला हुआ, कोई बताएगा मुझे? आपने वर्ड खोला हुआ है सर, न्यूज़लेटर का बटन। शाबाश,
बेटे बिल्कुल यही यही दिखाना था मैंने। आके बता दो आपको भी नजर आ रही है कि नहीं आ रही है। सर दोबारा आता हूँ मैं लीव करके। आपको मैं मशवरा दूंगा आप एक दफा ना क्लास को छोड़ के दोबारा ज्वाइन कर लो आपको दिख जाएगा ठीक है। अदरवाइज आप ये करना कि आपको रिकॉर्डिंग में दे दूंगा ना आज की क्लास की आप वहां से भी चेक कर सकते हो ठीक है। अच्छा गाइस आप सबको ए बी टेस्टिंग दिखाई दे रही है? जी सर। परफेक्ट तो हमने ए बी टेस्टिंग में हमने टेस्ट हम ये कर दे हैं कि हमने न्यूज़लेटर इंक्रीज करना है मैंने ये न्यूज़लेटर सब्सक्राइबर्स इंक्रीज करने हैं। उसके लिए हमने एक टेस्ट क्रिएट किया जो उसका डिफॉल्ट है जो कि प्लेसिबो है। दूसरा हम टेस्ट कर रहे हैं न्यूट्रल के ऊपर कि हम उसका सब्सक्राइबर का बटन इंक्रीज कर रहे हैं बाय 20% मिसाल के तौर पर। पहले छोटा था अब हमने बड़ा कर दिया है या हम ये टेस्ट कर रहे हैं कि हमने नीचे ऑफर डाल दिया है ठीक है। अब इन दोनों को हमने ए बी टेस्ट करना है उसके लिए हम प्रपोजल लिखेंगे। किसी को ये बात समझ में नहीं आई तो काइंडली पूछ लें। क्लियर है सर। ये मैंने जो लिखा है ये सब दोस्तों को समय में रीड हो पा रहा है? जी सर आ रहा है सर। जी सर ठीक है। अक्षर भाई आप बताइए मैंने क्या लिखा है। इंक्रीज द साइज ऑफ सब्सक्राइबर नो बटन एंड ऐड ऑफर ऑफ डिस्काउंट टू न्यू सब्सक्राइबर्स ठीक है जी। अब साद भाई आप बताएं ये मैंने जो इंक्रीज द साइज ऑफ सब्सक्राइब नाउ बटन बोला है और ऐड ऑफर डिस्काउंट टू न्यू सब्सक्राइबर्स है ठीक है। अब इसके पीछे की वजह क्या है हाइपोथेसिस क्या है क्यों मैं ये कह रहा हूं और ये हाइपोथेसिस जो है इसमें वेरिएबल भी आपने बताना है क्या टेस्ट कर रहा हूं और आपको क्या लगता है इसके बाद होगा क्या। चलो सर ये जो ईमेल लिस्ट है या जो योर न्यूज़लेटर है इसको इंक्रीज करना है या जो साइन अप है उसको इंक्रीज करना है इंक्रीज करने के लिए ताकि लोग ज्यादा साइन अप और सब्सक्राइब करें। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हमारा गोल यही है। एक सेकंड करें अब इसे मैं लिख लेता हूं। I believe that increasing the size of button and giving a discount offer to new visitors subscribe would help increase the subscribers. ये सब दोस्तों समय में आ रहे जी सर। साद भाई जी सर आ रहे समझ में आ रहा है सर। यस सर। चलो ठीक है। ये माइक की वजह से डिस्टर्बिंग है सर मेरे ख्याल में। अख्तर मुनीर है मैं म्यूट कर देता हूँ ठीक है। ठीक है सर। क्या ये मैं एक 5 मिनट की ब्रेक लेके आया। एक इस तरह कहते हैं हम सब 5 मिनट की ब्रेक ले लेते हैं फायर भाई के साथ। 7:11 हुए हैं 7:16 में हम दोबारा क्लास को स्टार्ट करते हैं ठीक है सर। ठीक है सर। ठीक है चलो ठीक है अपना ख्याल कीजिएगा 5 मिनट बाद फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।
अस्सलाम वालेकुम, आप सब लोग आ गए? वालेकुम सलाम सर। अस्सलाम वालेकुम इसमें दिया, कैसे हाल चाल है? तबीयत ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं सर? सॉरी मैंने थोड़ा लेट जॉइन कर लिया था, मैं थोड़ी बिजी थी। मैं बस ये कह रहा था कि आप थोड़ा जल्दी आ गए हैं, क्लास 8 बजे स्टार्ट होनी थी। कितने बजे स्टार्ट हुई थी क्लास? 6 बजे स्टार्ट हुई थी, आप लेट आए थोड़ा ज्यादा नहीं, बस 1 घंटा 15 मिनट। सर मेरे पास नेटवर्क का थोड़ा सा इशू था, अभी मैं एक्सेस में आया तो मैंने क्लास कनेक्ट कर ली। चलो ओके। अभी तक हमने ना प्रोजेक्ट 2 को हम डिस्कस कर रहे थे। प्रोजेक्ट 2 के अंदर हमने डिस्कस किया था कि प्रोजेक्ट 2 कैसे काम कर रहा है। अभी हमने 3 बातें, मैं रिकॉर्डिंग देख ली, आप कंटिन्यू कर ले। हेलो गाइस, अगर आप सब लोग वापस आ गए हैं तो मुझे बता दें, सो वी कैन। जी सर वी आर बैक। जी सर वापस आ गए। जी सर परफेक्ट परफेक्ट, चलो गुड हो गया। लेट्स कंटिन्यू। अभी हम एबी टेस्टिंग को डिस्कस कर रहे थे। लेट मी नो व्हेन यू गाइस कैन सी मी स्क्रीन। ओके आप सब लोगों को मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? परफेक्ट, चलें लेट्स कंटिन्यू। एबी टेस्टिंग के ऊपर हम डिस्कस कर रहे थे। एबी टेस्टिंग के अंदर हमने केपीआई जो टेस्ट करना है वो हमने लिखा है इंक्रीज इन द नंबर ऑफ न्यूज़लेटर सब्सक्राइबर्स। वेरिएबल जो हम चूज कर रहे हैं वो ये है कि हम साइज ऑफ सब्सक्राइब नाउ बटन इंक्रीज कर रहे हैं। ये भी वेरिएबल चूज कर सकते थे कि हम ऑफर लगा रहे हैं। आप दोनों में से कोई भी एक वेरिएबल ले लें, मैंने दोनों वेरिएबल लिखे हुए हैं बट आप लोगों ने एक ही वेरिएबल लिखना है, ठीक है? दोनों लिखने की जरूरत नहीं आप लोगों को। मैं फॉर एग्जांपल इस वाले वेरिएबल को ले लेता हूँ कि मैं ऑफर लगा रहा हूँ, ठीक है? सब्सक्राइब नाउ का बटन जो इंक्रीज कर से मैं रहने देता हूँ। गोल क्या हमारा, हम डिस्काउंट देके ना, बाय गिविंग अ डिस्काउंट हम अपने न्यू विजिटर्स का नंबर इंक्रीज करवाना चाह रहे हैं अपनी ईमेल लिस्ट के ऊपर। यहाँ तक सब दोस्तों समय में आ गए? यस सर। जी सर परफेक्ट, आगे चलते हैं। अब इन चीजों को देखते हुए ना, ये हमारा अगला टास्क है कि आपने एबी टेस्टिंग के स्टेप्स डिस्क्राइब करने हैं। तो इसके टेस्ट क्या होंगे कि हम उसके दो वेरिएबल क्रिएट करेंगे। एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे हम, मिसाल के तौर पे मैं कुछ कहता हूँ, एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे हम ये वाला जिसके अंदर सब्सक्राइब नाउ का बटन छोटा सा है। दूसरा वेरिएबल हम क्रिएट करेंगे जिसमें सब्सक्राइब नाउ का बटन बड़ा है। दो वेरिएबल क्रिएट कर लिए हमने, हम फिर क्या करेंगे, हम इसे एक हफ्ते के लिए या लेट से हम इसे दो हफ्तों के लिए रन करते हैं। हम क्या करेंगे, 50% ट्रैफिक इसके ऊपर भेज देंगे, 50% ट्रैफिक हम इसके ऊपर भेज देंगे और आफ्टर द कमीशन ऑफ टेस्ट हमें पता चल जाएगा कौन से वाला ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। वही मैंने इधर भी लिखा है कि हम वेरिएबल क्रिएट करेंगे सब्सक्राइब के बटन के ऊपर, सब्सक्रिप्शन फॉर्म के ऊपर, ट्रैफिक को 50% बांट देंगे, आधी हम भेजेंगे वेरिएबल ए पे जो कि ओरिजिनल है हमारा, और आधी ट्रैफिक हम भेजेंगे जहाँ पे बड़ा सा हमने कॉल टू एक्शन दिया हुआ है। एक्सपेरिमेंट जो है हम गूगल ऑप्टिमाइज के ऊपर रन करेंगे जो कि फ्री टूल है गूगल का, और फिर इसके बाद हम ये जब दो हफ्तों के लिए रन कर लेंगे ना तो जो तकरीबन 100 न्यू सब्सक्राइबर्स आएंगे ईच वेरिएंट के ऊपर से हमें आइडिया हो जाएगा कि कौन से वाला हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद है। ये सारे स्टेप्स जो हमने किए हैं इसके अंदर समझ में आ गए आप दोस्तों को? जी सर। जी सर। चलें अब इसको हम थोड़ा हो खेलते हैं। अब एग्जांपल ले रहे हैं कि हम इसकी बजाय हम रन कर रहे हैं, हमने ऑर्गेनिक ट्रैफिक इंक्रीज करनी है। तो एक वेबसाइट हम बनाते हैं नॉर्मल, एक वेबसाइट के अंदर हम ना सारी चीजें रिमूव करके ना बहुत सादा सी वेबसाइट बनाते हैं, बट उसके अंदर जो चीज हमें बेचनी है वो चीज बेचने वाली चीज हम डाली हुई है।
दूसरी वेबसाइट के सामने तमाम चीजें भरी हुई हैं, एक वेबसाइट का लोडिंग टाइम ज्यादा है, एक वेबसाइट का लोडिंग टाइम कम है, दोनों के हम टेस्ट कर रहे हैं। तो ये टेस्ट कैसे रन होगा? इस टेस्ट को रन करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा मिस्टर फरहानुल्ला। दो पेजेस बनाए हैं, उसके पर ए बी टेस्टिंग करनी है, कैसे करोगे? सर दो पेजेस बनाए, पहले तो इसके कंटेंट लिखेंगे कि हमने शो क्या करना है। शाबाश, आगे दूसरा ये करना है कि बटन्स या मेन्यू वगैरह कुछ ना कुछ जो है ना वहां पे प्रेजेंट करेंगे। ओके जी, ए बी टेस्ट कैसे करोगे? जी ए बी टेस्ट कैसे करोगे? जैसे अभी हमने न्यूज़लेटर का ए बी टेस्ट क्रिएट किया ना, हमने कहा कि हम एक मिनट हमने इधर डिस्कस किया कि हम दो पेजेस बनाएंगे, आधे ट्रैफिक इसे भेजेंगे, आधे ट्रैफिक इसे भेजेंगे, गूगल ऑप्टिमाइज पे एक्सपेरिमेंट होगा, 14 दिन के बाद हमें पता चल जाएगा कौन सा वाला कामयाब है। तो वो सेम चीज आपने हम मुझे वेबसाइट ट्रैफिक के लिए बतानी है। जी सर, सर वेबसाइट ट्रैफिक के लिए कि फॉर एग्जांपल दो डिफरेंट पेजेस हमने क्रिएट की है, उसके ऊपर डिफरेंट कंटेंट है, एक कंटेंट मतलब दो डिफरेंट कंटेंट्स होंगे और हम गूगल एनालिटिक्स वगैरह पे चेक करेंगे कि किसके ऊपर ज्यादा ट्रैफिक आ रही है, किस पे ऊपर कम आ रही है, कौन सा किस कीवर्ड को यूज करके लोग जो है ना उस पेज के ऊपर आ रहे हैं, या फिर सोशल सोशल नेटवर्क से कितनी ट्रैफिक आ रही है, ऑर्गेनिक कितनी है, और इस तरह के डिफरेंट जो है ना एनालिटिक्स। शाबाश, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। बिशाद भाई आप बताएं, अगर आपने ए बी टेस्ट रन करना है अपने प्रोडक्ट के ऊपर, प्रोडक्ट डिजाइन के ऊपर रन करना है, एक आपका प्रोडक्ट है जो कि ग्रीन कलर की पैकेजिंग में है, एक प्रोडक्ट है आपका जो ब्लू कलर की पैकेजिंग में, ठीक है, आपने ए बी टेस्ट रन करना है, कैसे रन करोगे? सर हम 50% कस्टमर्स को जो है वो ग्रीन कलर का देंगे पैकेजिंग, और 50% को ब्लू कलर का देंगे सर, और फीडबैक जो है वो चेक करेंगे कि। शायद भाई आप हमारे साथ हैं? यस सर, मेरा ख्याल में इंटरनेट थोड़ा अनस्टेबल है। शाबाश, मेरी आवाज आ रही है सर? हेलो सर, सॉरी अबाउट दैट यार, मेरा कनेक्शन ड्रॉप हो गया था। हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे ए बी टेस्टिंग को, ए बी टेस्टिंग तक किसी को कोई क्वेश्चन तो काइंडली पूछ लिया, हम आगे चलते हैं। टेस्ट करने का प्रोसेस सबको आ गया सर? ये लास्ट क्वेश्चन पूछ लें, एक्सप्लेन कर लूं? जी जी बताएं आबिद भाई। सर हम ए बी टेस्ट इस तरह करेंगे कि नंबर ऑफ सेल्स को देखेंगे कि किस लैंडिंग पेज या पेज से आ रहे हैं, जिसमें हमने डायरेक्ट जो प्रोडक्ट सेल करनी है उस पे ज्यादा सेल्स आ रहे हैं, या जो जनरल है जिसमें हमने तमाम डिटेल्स दी हैं। शाबाश शाबाश, गुड पॉइंट। अब इसके लिए ऐसे आपका मिसाल के तौर पर आप ई कॉमर्स स्टोर चला रहे हो, इसी की एग्जांपल ले लेते हैं, ये वाला स्टोर आप मार्केट कर रहे हो जिसमें आप केक्स वगैरह बांटते हो, अब आप इसके ऊपर ए बी टेस्ट करना चाहते हो, होम पेज के ऊपर ए बी टेस्टिंग करना चाह रहे हो, तो ए बी टेस्टिंग कैसे रन करोगे आप बताओ? नेट थोड़ा स्लो है, मुझे समझ नहीं, आप जरा दोबारा रिपीट कर देंगे? हाँ श्योर श्योर। मिसाल के तौर पर आपको मैंने ना इस स्टोर की ए बी टेस्टिंग का काम दिया है कि इस स्टोर की आपने ए बी टेस्टिंग करनी है, ठीक है, अब इस स्टोर की ए बी टेस्टिंग के लिहाज से आपने कैंपेन बनानी है, कैसे बनाओगे ट्रैफिक के हिसाब से, कन्वर्जन के हिसाब से बना लेंगे कि जो नंबर ऑफ सेल्स हैं जो हमें दोनों टेस्ट ए से और टेस्ट बी से कितने नंबर ऑफ सेल्स आ रहे हैं। शाबाश शाबाश, तो उसको देखते हो मतलब हम हाइपोथेसिस ये लगाएंगे कि जो जहाँ पे हमने डायरेक्ट जो प्रोडक्ट सेल करना है जस्ट वो दिया है तो उसकी कितनी सेल्स आ रही है, हम हाइपोथेसिस लगाएंगे कि इससे ज्यादा सेल्स आएंगी, और बनिस्बत उसके जहाँ पे हमने तमाम प्रोडक्ट की डिटेल वगैरह डाली है जनरल,
गुड हो गया। अच्छा गाइस अभी ये प्रोसीजर तक किसी को कोई क्वेश्चन पूछ लो वरना हम फिर आगे चलते हैं। क्लियर है सर? गुड हो गया। अगला क्वेश्चन वो कहता है हमसे, शाबाश थैंक यू। अगला क्वेश्चन है कि हाउ वुड यू डिटरमिन द रिजल्ट्स ऑफ एबी टेस्टिंग। अब हमने जब बताना हम कैसे डिटरमिन करें, हम देखेंगे कि हमारा जो कन्वर्जन रेट है। सर आपकी स्क्रीन नजर नहीं आ रही। स्क्रीन शेयर नहीं। ओह सॉरी सॉरी, मैं शेयर करता हूं। मैं समझ गया इस बार फिर मेरा फोन नहीं आगे भाई, इस बार मैंने सबके साथ ये प्रैंक किया था, आप सबके साथ मजाक हुआ है कैमरे को देख के हाथ हिला दे। अच्छा अब स्क्रीन दिखाई दे रही है सबको? जी सर आ रही है। जी सर बेहतरीन बेहतरीन। अच्छा तो हमने सबने ये वाला कर लिया कि ये जो स्टेप्स हैं ए बी टेस्ट करने के वो कैसे डिटरमिन करने हैं। अब दूसरा है कि अब ये कर लिया, अगला क्वेश्चन है कि आप पता कैसे लगाओगे कौन सा टेस्ट आपका ठीक हुआ है। अब वो हम नहीं पाना, हम क्या करेंगे, हम देखेंगे भजन के कन्वर्जन रेट जो है ना जो दोनों जगह से आ रहा है, इसका भी गूगल एनालिटिक्स पे खोल के देख लें, इसका भी गूगल एनालिटिक्स पे खोल के देख लें। जिस पे कन्वर्जन रेट ज्यादा आ रहा होगा गूगल एनालिटिक्स में बता देगा भजन ये आपका ए वाला टेस्ट सही जा रहा है, आपका बी वाला टेस्ट सही जा रहा है। जो सही जा रहा है हम उसे कहेंगे भजन ये विनर है ये लूजर है, अब इसको लेके चल रहे हैं इसको खत्म कर देना। कहानी सिंपल सी है, किसी को ये बात समझ में नहीं आई पूछ लें। सब दोस्तों की बात समझ में आ गई है? जी सर। गूगल कट करेंगे इन केसेस को ये कन्वर्जन देखने के लिए। सही क्या कहा आपने सर? ये हम प्रैक्टिकली गूगल एनालिटिक्स को यूज करते हुए करेंगे, क्योंकि वो गूगल एनालिटिक्स तब काम करेंगे जो हमने कोड डाला हो अपनी साइट में। जी जावास्क्रिप्ट गूगल। जी आई अंडरस्टैंड, गूगल एनालिटिक्स तभी काम करता है जब आपकी वेबसाइट और गूगल एनालिटिक्स का अकाउंट जो है कनेक्टेड हो, चाहे वो आप जावास्क्रिप्ट के साथ कर लो, एचटीएमएल के साथ कर लो या किसी प्लगइन के थ्रू कर लो। बट हमने एक्चुअली में करना नहीं है टेस्ट, ये बस हमें भी थ्योरेटिकल तौर पे समझ गए। ठीक है सर। ठीक है यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है? क्लियर है सर? नो सर क्लियर है। नो सर परफेक्ट परफेक्ट, लेट्स मूव फॉरवर्ड। हमारे पार्ट वन पार्ट टू कम्प्लीट हो गए, टेक्स्ट तीसरा पार्ट है डेटा एक्सप्लोरेशन का। डेटा एक्सप्लोरेशन के लिए आप सबको गूगल एनालिटिक्स का अकाउंट चाहिए होगा। मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा कि इन्होंने आपको गूगल एनालिटिक्स का अकाउंट प्रोवाइड किया हुआ है, आप सब लोग वही यूज़ करें, अपना अकाउंट यूज़ ना करें, क्योंकि इसमें कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं, क्योंकि इसकी काफ़ी प्री रिक्विजिट्स हैं। अगर आपका उन प्री रिक्विजिट्स का अकाउंट पूरा नहीं आता तो आपका ये प्रोजेक्ट कम्प्लीट हो ही नहीं सकता, तो इसलिए जो उन्होंने अकाउंट दिया वो यूज़ करेंगे तो अच्छा होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, अब इस बात के साथ हम इस प्रोजेक्ट को आगे लेके चलते हैं। पार्ट सी के अंदर सर हम जी अकाउंट हमें किधर मिलेगा सर? ये पिछले हफ्ते से यही अकाउंट ढूंढ रहा हूँ मैं। ओके श्योर श्योर, मैं आपको उसकी भी गाइडेंस दे देता हूँ। आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? जी जी सर नजर आ रही है। ओके आप इसके अंदर आएंगे गूगल एनालिटिक्स प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है ये यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे आपने एक्सेस डेमो अकाउंट पे क्लिक करना है, या यहाँ से क्लिक कर दो या गूगल मर्चेंडाइज अकाउंट में आके यहाँ से क्लिक कर लो। ठीक है आपके पास ऑप्शन है, यहाँ पे आपको बताया भी हुआ कि आप इस पे क्लिक करोगे फिर इस वाले पे क्लिक करोगे यूनिवर्सल एनालिटिक्स प्रॉपर्टी पे, फिर आपको इस वाले मास्टर व्यू पे आ जाओगे और इससे आपको गूगल यूनिवर्सल एक्टिविटीज मिल जाएगा। मैं आपको वो एक बार ओपन करके दिखा देता हूँ। सर आई हैव अ क्वेश्चन। सर आपने जो कहा था कि हम एक एक्स्ट्रा क्लास देंगे तो वो कब होगी, कल के नहीं फिर डेट चेंज होगी? जी कल होगी। नहीं कल ही होगी, मैं अभी वही बता, टाइम अभी हम आज की क्लास के आखिर में डिसाइड करेंगे, आफ्टर 7:50 कर लेंगे डिसाइड कि यार कब करना है। सब दोस्त आपस में बैठ जाएंगे, जो सबके लिए कन्वीनियंट होगा ना वो टाइम रख लेंगे। ठीक है। और सर नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो है वो कब तक सबमिट करना है? यार नेक्स्ट प्रोजेक्ट की डेडलाइन जो है, मैंने अभी तक कुछ लेक्चर्स नहीं देखे ना, सिर्फ एक दो ही देखे। कोई इशू नहीं है उसकी ना, अभी डेडलाइन नहीं है, अभी पहले प्रोजेक्ट की बस डेडलाइन है, आप इसे आराम से कर लें, कोई जल्दी नहीं है। okay, बट आप कोशिश कीजिएगा कि जितना जल्दी कर लोगे सारी हो जाएगी। तीन प्रोजेक्ट हैं जो बच्चे पहले कंप्लीट कर लेंगे नैनो डिग्री। सर उसमें से कुछ टॉपिक्स की मुझे समझ नहीं आ रही थी तो मैं बार बार उसको देख रही थी, बार बार देख रही थी, इसलिए थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया था उसमें। कोई इशू नहीं है।
हर किसी की अप्रोच डिफरेंट होती है, तो मसला कोई नहीं है, ठीक है। अच्छा गाइस, अब हम देखे थे डेमो अकाउंट कैसे एक्सेस करना है। आप इस लिंक पे क्लिक कर दो, यहाँ से क्लिक पे आ जाओ, आप ही इस वाले पेज पे ओपन आ जाओगे जहाँ पे लिखा हुआ डेमो अकाउंट हेडिंग के अंदर, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया था? जी सर। जी सर। ओके गुड। डेमो अकाउंट वाले पेज में आपने नीचे आना है, एक्सेस द डेमो अकाउंट के अंदर नीचे आना है, और ये थर्ड वाला जो इसे क्लिक करना है, यूनिवर्सल एनालिटिक्स प्रॉपर्टी गूगल मर्चेंडाइज स्टोर वेब डेटा, इस वाली लिंक पे क्लिक करना है, पहली दूसरी पे नहीं जाना। ये बात समझ में आ रही है आप दोस्तों को? सर ठीक है सर। जी जी बताएं। ये यूनिवर्सल वाला तो डिसकंटिन्यू हो गया ना, और यहाँ पे जी बिल्कुल गूगल यूनिवर्सल एनालिटिक्स प्रॉपर्टी जो है ना, यूए प्रॉपर्टीज जो है वो अब खत्म हो गई है, वो जून 2023 तक रहेंगी, उसके बाद खत्म हो जाएंगी। बट बेसिकली ये प्रोजेक्ट जो डिजाइन किया गया है यूनिवर्सल एनालिटिक्स प्रॉपर्टी के हिसाब से डिजाइन किया गया है, तो अगर आप इसके ऊपर करोगे तो आपका प्रोजेक्ट कम्प्लीट नहीं हो पाएगा आपसे, समझ रहे हो? जी जी। बेसिक कॉन्सेप्ट दोनों का सेम ही है। GA4 जो है वो यूए के ये मॉडिफाइड वर्जन है बेसिकली, इसके अंदर डेटा को निकालना ज्यादा आसान है, बट हम यूनिवर्सल एनालिटिक्स प्रॉपर्टी से इसलिए यूज करें क्योंकि प्रोजेक्ट इसके ऊपर बनाया गया है। सही। ओके जी सर। थैंक यू। ओह यू वेलकम। हमने इसके ऊपर क्लिक करना है, जब आप इस पे क्लिक कर दोगे तो आपको ये वाला पेज दिख जाएगा, मास्टर व्यू वाला। यहां से बात समझ में आ गई है? जी सर। जी सर जी। और जैसा कि आप बता रहे थे कि एनालिटिक्स जो है वो खत्म हो गया, वो 1 जुलाई 2023 तक, उसके बाद ये खत्म हो गया, सब लोग GA4 पे चले जाएंगे, बट हमें इसकी परवाह नहीं है, इसलिए हम लेट्स गो कह देंगे इसे, आगे चल रहे। ठीक हो गया? ठीक है सर। आगे चलते हैं। किसी को यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो, समय में ना आया हो कि कैसे एक्सेस करना है तो पूछ लें, अदरवाइज हम फिर प्रोजेक्ट तरफ चलते हैं। आगे बढ़े सर। ओके थैंक यू काबिल। अच्छा गाइस, हमारा जो पार्ट सही है ना, दिस इज मेजरली अबाउट प्लेसिंग योर क्वेश्चंस, स्क्रीनशॉट्स एंड नोट्स अबाउट दोर स्लाइड्स, ठीक है। अब इसे तो एक्सप्लेन करता हूँ मैं थोड़ा सा आपको। अस्यूम करें कि आप एक क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं जिसके पास लिमिटेड नॉलेज है गूगल एनालिटिक्स की, थोड़ा एक्सपीरियंस है, वो आपकी आंखों के ऊपर आपकी एक्सपर्टीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इस डेटा को देखते हुए आपने बताना है कि कौन से स्पेसिफिक क्वेश्चन कौन से स्पेसिफिक आंसर के लिए हैं, कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो कट एंड ड्राई आंसर बता रहे हैं, और दूसरों के लिए कौन सी चीज की इनसाइड को देखना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए सर, आप अपनी कर देना सर, नहीं आ रहा। श्योर श्योर, मैं जूम कर देता हूं। एक सेकंड कीजिए मिस। आप दिखाई दे रहे हैं मिस आपको? जी सर। थैंक यू। यू वेलकम। अच्छा मिस, इसके अंदर हम बातचीत कर रहे थे कि हमने क्या चीजें देखनी है। इसके अंदर हमने जो चीजें देखनी है ना, वो अपनी नॉलेज दिखाने के लिए, वो ये है। आप जो है या तो अपनी कंपनी के गूगल एनालिटिक्स अकाउंट यूज करें या डेमो डेटा यूज करें, मैं प्रेफर करूंगा कि आप डेमो वाला यूज करें। सब अगला है कि आपने हर सवाल जो फॉलो करा है उसकी स्क्रीनशॉट बनानी है, और जो इंडिकेटेड इन्फॉर्मेशन है वो दिखानी है। दूसरा, आपने एनोटेशन के थ्रू बताना है और क्लैरिटी देनी है जो आपका सवाल का आंसर है, और अगर आपसे इनसाइट पूछी गई है गिवन क्वेश्चन की, तो वो भी आपने प्रोवाइड करनी है उसी स्लाइड के ऊपर। यहाँ तो सब दोस्तों समय में आ गया, हमें क्या करना है? सर थोड़ा सा रिपीट करें। श्योर, मैं रिपीट करता हूँ। बेसिकली हमने इस पार्ट 3 के अंदर ना गूगल एनालिटिक्स में से डेटा निकालना है, जो उसने क्वेश्चन पूछा है उस उस एनालिटिक्स का डेटा दिखाना है, और आंसर करना है कि वो जो बात पूछा है उसका आंसर क्या बनता है। आपने समझना है कि आप एक गूगल एनालिटिक्स एक्सपर्ट या एक मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं, आपका दोस्त आपके पास आता है जिसके पास लिमिटेड नॉलेज और एक्सपीरियंस, उससे पता नहीं है, तो वो आपकी ऊपर है, आपसे पूछ रहा है कि भैया मुझे इन सवालों का जवाब दो। अब समझ में आ रही है बात भाई? जी सर। जी सर। चलो अब इसको लेके आगे चलते हैं। वो पूछता है कि ऑडियंस ओवरव्यू रिपोर्ट में जाओ, वहां पे 12 मंथ टाइम का पीरियड चूज करो जो आप देखना चाहते हो।
वो चूज करने के बाद आपने ये मेक श्योर कर लेंगे टाइम फ्रेम भी देखे, सेगमेंट भी देखे, मैट्रिक भी देखे, एक्सिस वैल्यूज भी देखे। ये सब कुछ दिखाने के बाद आपने इस वाले डब्बे में उसकी स्क्रीनशॉट डाल देनी है। ऐसे ही है, अब ये चीज कहते हैं हमने जाना है सबसे पहले ऑडियंस ओवरव्यू रिपोर्ट के अंदर। यहाँ पे गए ऑडियंस में, गए ओवरव्यू में, गए ये सब दोस्तों सर में आ गई बात। जी सर। अच्छा यार, ये जब तक लोड है ना, मैं आप सब दोस्तों को एक ट्रिक बताना चाहता हूँ। ट्रिक ये है कि कंप्यूटर जो है ना वो रिक्शा गाड़ी या बाइक की तरह नहीं है, कि अगर आप इसे गलत तरीके से चलाओगे तो ये खराब हो जाएगा या आपको नुकसान पहुंचाएगा। आप इसमें जितने पंगे लोगे ना, जितने एनालिटिक्स से पंगे लोगे, उतना उस चीज को ज्यादा अच्छे तरीके से समझोगे। तो एक दिन लेना, एक दिन लेके ना सिर्फ सिर्फ इस अकाउंट के अंदर पंगे लेना, एक एक जगह पे जाके एक एक चीज देखना कि वो चीज क्या कर रही है। ये मेरी बात समझ में आ रही है आप दोस्तों को? जी सर। अब ये जो पंगे लोगे ना आप लोग, जब इसमें एक एक चीज को जाके खोलोगे, देखोगे, समझोगे, तो उससे आपको वो चीजें पता चलेंगी जो प्रोजेक्ट भी नहीं बता सकता। ठीक है, तो इसलिए मैं आप सबको ये एक राय दूंगा, एक मशवरा दूंगा कि ये जरूर करना अपनी लाइफ एक्सपीरियंस के अंदर ना। जब आप ये चीजें करोगे तो आपको जितना फायदा होगा आप लोग देखोगे। अच्छा, फॉर सम रीजन ना ये मैं अपना एनालिटिक्स को ठीक कर लूं, ये सही खुल के नहीं आ रहा है एट दिस टाइम। आप सब लोग एक काम करें, जिस दौरान में मैं इसे रीलोड कर रहा हूँ, आप सब लोग भी ये ओपन कर लें, साथ साथ मेरे साथ ये एक्सपेरिमेंट करते जाएं। जितना ज्यादा आप लोग मेरे साथ साथ देखते हुए कर रहे होंगे ना, आपको उतना आसानी से याद हो जाएगा। चलो आप सही खुल गया। अच्छा, हमें ये पेज दिखाई दे रहा है सब दोस्तों को? जी सर। जी सर। सबसे पहली बात, हम ऑडियंस ओवरव्यू में आ गए। दूसरी बात, उसने क्या कहा था के 12 मंथ का टाइम पीरियड चूज करना है। चलो अब 12 मंथ पे जाते हैं। इसे मैंने मंथ पे सेट कर दिया। इससे मैं अब, अरे भाई क्या इशू है तुम्हें? अब फिर 12 मंथ पे लेके जाते हैं। 12 मंथ पे कैसे लेके जाएंगे इसे? हम आज अगर मिसाल के तौर पे 23 दिसंबर 2022 है, हम इसे कर देते हैं भजन 20 दिसंबर। ठीक है, 20 दिसंबर 2022, और इसे हम कर देते हैं 20 दिसंबर 2021। 12 मंथ हो गया। जी सर। ये प्रोसेस सब दोस्तों को समझ में आ गया? जी सर। ये दोबारा से खराब हो गया यार। ये ना आई थिंक मैंने कुछ प्लगइन्स किए हुए हैं, एक्चुअली मैंने बहुत ज्यादा एक्सटेंशंस किए हुए हैं, तो कोई एक्सटेंशन ना इसे तंग कर रही है। वो डेटा इसका निकालने की कोशिश कर रही है, वो इसे निकाल नहीं दे रहा, तो इसलिए मैं बार बार लोड करना पड़ रहा है। अच्छा, हमने 12 मंथ पे लगा दिया, ओवरव्यू खोल दिया हमने, यहाँ से 12 मंथ पे सेट कर दिया, और ये हमारा डेटा बीच में शो होने लग गया है। ये सब दोस्तों समय आ गया हमने क्या किया यहाँ तक? किसी को क्वेश्चन हम पूछ लो? फिलहाल क्लियर है सर। अब बताओ टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है उसके अंदर हमारा? जी सर। टाइम फ्रेम तो अभी नहीं नजर आ रहे। ये था ना मेरे भाई टाइम फ्रेम 12 मंथ है ना टाइम सर। जी सर, अभी मैं मोबाइल में यूज कर रहा हूं, क्लोज करके देख। अच्छा ओके, चलो इसकी स्क्रीनशॉट बनाते हैं। स्क्रीनशॉट बनाने के लिए मैंने पेट स्क्रीन का बटन दबाया, ये आ गया, इसे यहाँ से पकड़ा, यहाँ पे ले दोबारा बनाता हूँ, सही नहीं बनी, पेट स्क्रीन पे क्लिक किया, यहाँ से पकड़ा, यहाँ पे ले गया।
इस तरह हमारी स्क्रीनशॉट बन गई है, अब स्क्रीनशॉट को हम कॉपी करेंगे और इसे हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। आप सब दोस्तों को समय आ गया हमने क्या किया यहाँ पे? जी सर। जी सर। अब देखो आकिब टाइम फ्रेम दिखाई दे स्क्रीनशॉट के अंदर। जी सर 20 दिसंबर 2021 से 2022 तक। एक्सेस वैल्यूज भी शो हो रही हैं, ये जो वैल्यूज हैं ये भी शो हो रही हैं। जी सर। मैट्रिक भी शो हो रहे हैं, जी सर से मैट्रिक्स लगे हुए हैं। चलो शाबाश, तो मैंने कि ये वाला हमारा स्क्रीनशॉट कंप्लीट हो गई है। जी सर। किसी को कोई क्वेश्चन है यहाँ पे तो पूछ ले प्लीज। ये सेगमेंट क्या है सर? सेगमेंट ओके, सेगमेंट बेसिकली होता है कि अगर आपने कोई सेगमेंटेशन लगानी हो ना तो आप उसे लगा के ना यूज कर सकते। मिसाल के तौर पर अभी मैंने तमाम यूजर्स को देख रहा हूँ, ठीक है, ये सेगमेंट है हमारा। बट अगर मैंने एक और सेगमेंट लगाना है, मैं कहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ डेस्कटॉप यूजर्स आ जाए, या कोई भी मैं लगाना चाहता हूँ कि बाउंस यूजर आ जाए या जिन्होंने परचेस किए वो आ जाए, मैं उन्हें अलहदा करके देखना चाहता हूँ, तो मैं उस पर क्लिक करूंगा और मेरा सेगमेंट बन जाएगा मेड अप परचेस वाला। ये बात समझ में आ रही है आपको भाई? जी जी सर। जी सर। जी सर। तो अभी हम किस सेगमेंट के अंदर हैं? ऑल यूजर है सर। ऑल यूजर देख रहे हैं। तो अगर हम हाँ जी अभी हम ऑल यूजर्स का सेगमेंट देख रहे हैं, बट आप इसे हर छोटे छोटे सेगमेंट में बांट सकते हो। अब ये बात सब दोस्तों को समझ में आ गई है? जी सर। चलो आकिब बताओ सबसे। जी जी आकिब, अब आप बताओ यहाँ, बल्कि किसी और से पूछते हैं। जी सर। इकबाल नाम के भाई हैं हमारी क्लास में। मिस्टर इकबाल आई थिंक उन्हें मेरी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा लेट्स गो टू मिस मदीहा। मिस मदीहा आप बताएं इन तमाम मंथ्स को, मैं थोड़ा जूम भी कर देता हूँ आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो इन तमाम मंथ्स के हिसाब से आपके ख्याल में सबसे ज्यादा यूजर्स कब आए हैं हमारे पास? कोई दोस्त बता सकते सबसे ज्यादा यूजर्स कब आए हैं? जी सर मैं बताऊं। मैं 2022। शाबाश शाबाश, मई 2022 में हमारे पास आए हैं 73,172। चलो बताओ सबसे कम कब आए हैं? ये जनवरी जनवरी में सर। फरवरी में। जनवरी में 18,000 आए हैं, फरवरी में हमारे पास 55,000 आए हैं। इसमें जनवरी में 55,000 आए हैं, इसमें 55,000 आए, इसमें 24 हैं, इसमें फरवरी सही है। फरवरी किस महीने में था सर? मेरे ख्याल में दिसंबर है। दिसंबर। हाँ शाबाश, क्योंकि आप नोटिस करें 55,000 यहाँ पे क्या है 50,000। शाबाश, तो हम इसे डिटरमिन कैसे दें कि हमारा हाईएस्ट ट्रैफिक कब है और लोएस्ट ट्रैफिक कब है? जी सही, आपको क्या क्वेश्चन है दोबारा बताएं सर? दिसंबर तो मंथ में भी 10 डेज हैं उसके मुताबिक, तो उसको हम कंसीडर करेंगे? नहीं कह सकते, बट हम ना मैं आपको बताता हूं, हमने तो 20 इक्वल टाइम चूज किया है। हमने 20 दिसंबर से 20 दिसंबर का टाइम पीरियड लिया है। हम मंथ की बात नहीं कर रहे हैं, हम टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, और ये बस मैं एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ कि अगर हमने इस वाले को डिटरमिन करना है इस एरिया के अंदर, ताकि मैं बता दे कि बड़ा कौन सा छोटा कौन सा है। अब अगर आप लोगों का टाइम पीरियड डिफरेंट है, फॉर एग्जांपल हम इसे यूं कर लेते हैं 1 दिसंबर कर लेते हैं, या 1 दिसंबर से कुछ और कर लो, आप जो भी चूज करोगे ना फिर टाइम पीरियड उसके लिहाज से चेंज हो जाएगा। नोटिस कर दो आप ये। हेलो कोई क्वेश्चन? गुड गुड, क्लियर हो गया सर। शाबाश शाबाश, चलो अब इस डेटा को यूज करते हुए ना हम आगे जाते हैं। मुझे एक मिनट दो, जगह हम कर देते हैं
नवंबर ये काम हो गया, आगे चलते हैं। आगे हमने क्या करना है आप बताओ, विच मंथ हैड द मोस्ट विजिटर्स, विच मंथ हैड द फ्यूस्ट विजिटर्स, ये भी हम लोगों ने देखा था, याद है आप दोस्तों को? जी डिस्कस सबसे ज्यादा भाई मई 2022 और दिसंबर। शाबाश शाबाश, चलो दोबारा से ये एक्सरसाइज करते हैं, मैं ये सा टाइम पीरियड दोबारा सेटअप कर दूं। ठीक है सर, ये वाला, ये वाला ठीक है, चलो इसको लेके चलते हैं, इसकी स्क्रीनशॉट बना के मैं लगा देता हूं। अच्छा चलो अल्लाह अल्लाह करिए। आप वकार भाई आप बताओ, वकार भाई हमारे पास? जी सर। अच्छा भाई वकार भाई बताए, इस पीरियड के अंदर 30 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर तक सबसे ज्यादा लोग हमारे पास किस टाइम पे थे? सर मई 2022। मई 2022 में कितने थे हमारे पास? 73,172। शाबाश। तो जहाँ पे पीक आई है और लास्ट में उसको भी जरा एक बार देख ले, श्योर वो भी देख लेते हैं। 73,172 नंबर ठीक लिख दिया मैंने? जी 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 सर। ये माय मोस्ट विजिटर्स आ गए मई 2022 भी चेक कर, ये दिसंबर भी चेक कर 2021। अच्छा सॉरी, पहले वकार भाई की बात कंप्लीट कर लेते हैं। वकार भाई आपके कह रहे हो क्या देखूं मैं? सर ये फर्स्ट स्पाइक जो आई है ना, ये भी देख लें। ये जी ये सब ये 72 की है, सही है, और लास्ट वाली हां ये है 66 की है, बस सही है, ये मई वाली ज्यादा सबसे। शाबाश, चलो हमने ये डिसाइड कर लिया मां सबसे ज्यादा क्या है, सबसे कम क्या है, कोई और बताएगा मुझे? अच्छा सर ये रिपोर्टिंग के लिए हम गूगल डेटा स्टूडियो यूज नहीं करते? मैं भाई गूगल डेटा स्टूडियो जो है ना वो उसमें बिल्कुल यूज करते हैं, बट वो थोड़ा हाउ शुड से मैच्योर गेम है, वो थोड़ा उसकी अभी बच्चों को सीखने की जरूरत नहीं है। मेरे एक्सपीरियंस के अंदर ना गूगल एनालिटिक्स से तमाम चीजें मिल जाती हैं जो गूगल डेटा स्टूडियो से मिल जाती हैं। उसका फायदा है, ये नहीं कि उसका फायदा नहीं है, बट अगर आप गूगल एनालिटिक्स को कैप्चर कर लो ना, उसी से फायदा उठा लो, वो काफी है बच्चों के लिए। इसलिए हम गूगल एनालिटिक्स पे फोकस कर रहे हैं। ओके अच्छा मूविंग फॉरवर्ड, आकिब भाई आप बताओ सबसे कम कब हमारे पास है इस टाइम पीरियड के अंदर, 30 नवंबर से 1 दिसंबर के अंदर पूरा महीना सबसे कम कब, कौन से वाला है? फरवरी में एक दिख रहा है और अगस्त सितंबर में क्या है आप? जी सर। अच्छा फरवरी में है हमारे पास 55,000। जी सर। अगस्त में जाऊं? अगस्त पे चेक कर लें। अच्छा अगस्त में 58,000 है, फिर फरवरी में कम, जनवरी में 55 है, 5554, इसमें 55 है, 024, अगस्त में 58 है, कौन से आप चूज करूंगा? सर ये फरवरी। गुड हो गया, लेट्स गो बाय दिस वन। दो हजार बाईस चेक कर लें फिर भी।
ऐसी है। क्या नंबर था? 55,024 55,024 हाँ फाइव, बिल्कुल सही कहा आपने। किसी भाई को यहां तक कोई क्वेश्चन है, कोई बात समझ में नहीं तो पूछ लें काइंडली। सबको ये बात समझ में आ गई है? जी सर। गुड। अच्छा अगला क्वेश्चन है, डू यू हैव एनी आइडियाज व्हाई सर्टेन ट्रेंड्स आर एसोसिएटेड विद दिस स्पेसिफिक मंथ्स। अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए ना हमें इन ट्रेंड्स को देखना पड़ेगा कि क्यों ये हो रहा है, हमारा प्रोडक्ट क्या है, उन प्रोडक्ट्स को लेके हम आगे कैसे चल रहे हैं। अच्छा गाइज, इससे पहले हम आगे चले, हमारे पास आज की क्लास में टाइम कम है, ऑलमोस्ट हमारा टाइम कम्प्लीट हो चुका है। तो इससे पहले कि हम क्लास को कम्प्लीट करें, मैं कुछ क्वेश्चन है वो मैं पूछना चाहूंगा, मुझे बता दें कल की क्लास किस टाइम रखनी है, पहले ये मुझे वोट करके बता दें किस टाइम रखनी है। सर सब लोग काइंडली मैसेज में मैं टेक्स्ट अपना बता दें, मैं भी वो चूज कर लूं। सर क्लास कंपलसरी है या नहीं, ऑप्शनल है? ऑप्शनल है, ऑप्शनल है। और किस हवाले से है? या इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है ताकि बच्चे जो है ना लैग कर रहे हैं, तो उसके लिए क्लास रखी है एक्स्ट्रा। तो ये आपको लगता है आपको जरूरत नहीं है तो आप ना लें, कोई इशू नहीं है। और नेक्स्ट वीक में फिर इस पे बात नहीं होगी? डेफिनेटली होगी। ठीक है, बाकी दोस्त काइंडली वोट डाल दें। जी बिशारत भाई, आपको क्वेश्चन है कि क्लास इज अबाउट प्रोजेक्ट वन और टू, तो ये सेकंड प्रोजेक्ट के बारे में हो रही है। आई थिंक वोट डल गए सबके। जो टाइम पीरियड चूज हुआ है ना वो 1 6 to 8 का है, 1 8 to 10 का है। जो वो जीता है वो 6 to 8 जीता है एट दिस टाइम। क्या 6 to 8 सबके लिए सही है? 6 to 8 जो है वो जीत चुके एक्चुअली। चलें गुड हो गया गाइस। कल की जो क्लास होगी इट वुड बी अराउंड द सेम टाइम ऑफ 6 to 8। आप सबको मैं एट दैट क्लास देखूंगा। हम कोशिश करेंगे हम इस प्रोजेक्ट को कल की क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। अगर आप लोग कल की क्लास में नहीं भी आते हैं तो आपके साथ रिकॉर्डिंग शेयर हो जाएगी, आप वो भी देख लीजिएगा। और इन द फॉलोइंग नेक्स्ट क्लासेस जिन दोस्तों में प्रोजेक्ट गया जाएंगे हम उन्हें कैटर करेंगे, ठीक है? किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई इश्यू है तो काइंडली पूछ लें, अदरवाइज हम जो है बाकी का जो है सेटअप से चेक कर लेते हैं। क्या भाई आपकी आवाज नहीं, क्या कह रहे हो? सर मैं रिकॉर्डिंग जी जी रिकॉर्डिंग भी मैं शेयर कर दूंगा। रिकॉर्डिंग्स कहां पे अवेलेबल सर? बस प्रोजेक्ट लिंक वगैरह। मुझे सर आपकी आवाज नहीं, क्या कह रही हैं आप, दोबारा बताएंगे? सर फर्स्ट प्रोजेक्ट का डेडलाइन क्या है सर? सर फर्स्ट प्रोजेक्ट की डेडलाइन 25 तक, आप 25 तक नहीं करते हैं प्रोजेक्ट सबमिट तो आपको निकाल दिया जाएगा। पहले जो थी वो 12 थी, सॉरी 18 थी, बट उसके बाद फिर उन्होंने एक्सटेंड किया था, काफी बच्चों का प्रोजेक्ट गया था, तो अभी फाइनल जो है 25 की है। उसमें सर मुझे वो इशू आ रहा है वो SWOT analysis का, वो मैंने किया है अपनी कंपनी का, लेकिन बार बार वो कह रहे कि SWOT analysis करो, तो वो कंपटीटर का मेरे ख्याल से कह रहे कि क्या? नहीं नहीं, SWOT analysis आपकी खुद की कंपनी का है, आप गलत कह रहे होंगे इसलिए आपको कह रहे होंगे। आप मुझे दिखा दीजिएगा, मैं देख के आपको बता दूंगा, ठीक है? किसी भाई को कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ लें। सर अगर किसी की रिवीजन आई हो तो उस केस में भी अगर 25 तक दोबारा रीसबमिट ना करे तब भी जनरल कोर्स से नाम निकाल दिया जाएगा या नहीं? नहीं, अगर आपने
आपने सबमिट किया हुआ है वो पांच छह गलतियां हैं, रिवीजन है, छोटी रिवीजन है, फिर ही निकालेंगे। बट अगर आपने सबमिट किया सारा का सारा गलत है फिर निकाल देंगे। नहीं सिर्फ आठ जो है इश्यूज है फिलहाल मेरे, तीन इशू है सर। इशू नहीं है फिर आपको नहीं निकालेंगे, ठीक है सर। आप फिर भी अभी ना अख्तर भाई बैठ जाए तो आपका मैं मसला हल करके आपको भेजता हूँ, ठीक है सर। पास्ट का मतलब तो कंप्लीट है ना, पास्ट लिखा हो? हाँ जी पास मतलब कंप्लीट है आपका, हो गया आप आगे जा सकते हैं, ठीक है सर। सर ये कल क्लास में पूरा प्रोजेक्ट हो सकेगा सर? जी आकिब भाई क्या कह रहे हैं सर, कल की क्लास में प्रोजेक्ट पूरा डिस्कस हो सकता है सर? मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आगे सिस्टर की शादी आ रही है, तो कर दो तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कल की क्लास में प्रोजेक्ट कंप्लीट करवा दूँ मैं आप लोगों का, ठीक है सर इंशाल्लाह ताला। आबिद भाई आपको जब ये रिकॉर्डिंग कंप्लीट होगी ना, कंप्लीट हो जाए इसके बाद मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। इसी भाई का कोई और क्वेश्चन तो काइंडली बता दें, अदरवाइज हम आज की क्लास को यहाँ पे खत्म कर लेते हैं। आई गेस दैट्स इट देन। आप सब लोगों के टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू ऑल गाइस। एक आप लोगों से इल्तिमास है कि आप काइंडली आपको अगर रिव्यू का ऑप्शन आता है अपने इंस्ट्रक्टर को तो आप रिव्यू जरूर दिया कि अच्छा दे बुरा दे कोई मसला नहीं है, बट आप बताएंगे एनोनिमस तरीके से कि मैं क्या गलतियां कर रहा हूँ, मैं कैसे अपने आप को बेहतर कर सकता हूँ। अगर मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ तो अच्छा बताएं, बुरा कर रहा हूँ कोई चीज़ गलत कर रहा हूँ तो मुझे बताएं। आपका नाम वगैरह तो मुझे नहीं बताएंगे, फिर मुझे पता चलेगा क्या इशू आ रहे हैं तो फिर मैं अपने आप को बेहतर कर सकता हूँ, ठीक है। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया होगा आप लोग मुझे रिव्यू दे देंगे। आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़ अभिमान। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज़। अक्षर भाई आप काइंडली अपनी स्क्रीन शेयर करें और मुझे अपना प्रोजेक्ट दिखाएं क्या लिखा हुआ है आपने। ठीक है सर, सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी वकार भाई को सर, ये हमें इसमें कोई फ्रीलांसिंग का भी बताएंगे कि या किस तरह हम क्लाइंट्स वगैरह इससे रिलेटेड? अच्छा तो बेसिकली दो चीजें हैं, एक चीज ये है कि आपको ना एक करियर कोच मिला हुआ है इसके अंदर, करियर कोच का मुझे नाम भूल गया, आप अगर स्लैक के अंदर जाएंगे ना तो डिजिटल मार्केटिंग करियर कोच। हाँ बिल्कुल बिल्कुल वो वाले हैं सर, आप उनसे बातचीत कर सकते हैं, वो आपको इसमें गाइड करेंगे। अगर आपने मेरे से गाइडेंस लेनी है तो हमारा जो बिल्कुल आखिर वाला सेशन होगा ना वो होगा आस्क एनीथिंग सेशन, उसमें हमें से कोई भी बात पूछ लें, फिलोसफी की बात पूछ लें, फ्रीलांसिंग की बात पूछ लें, मेरी कंपनी के बारे में पूछ लें, जो भी आप पूछेंगे मैं आपको इसमें गाइड कर दूंगा, ठीक है। अगर मेरे से पूछना है तो आप तब पूछ सकते हैं, अगर आपने वैसे ही अभी जनरल इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आपके जो करियर कोच हैं वो इसीलिए हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं, ठीक है ब्रदर। ओके सर थैंक यू, यू आर वेलकम बड़ी, यू आर वेलकम। किसी और भाई का कोई क्वेश्चन है? चलिए अक्षर भाई आप काइंडली अपनी स्क्रीन शेयर कर दें। सर मैं तो अभी इस वक्त मोबाइल पर हूँ। अच्छा, और घर से भी बाहर। अच्छा चलिए फिर इस तरह करें अक्षर भाई, मैं आपको बता देता हूँ मसला क्या होगा। जो ज्यादा दोस्त गलती कर रहे हैं ना वो ये कह रहे हैं कि वो इंटरनल फैक्टर्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स को समझे बगैर ना वो SWOT एनालिसिस कर रहे हैं। आप भी मुझे लगता है यही गलती होगी। इंटरनल फैक्टर्स क्या होते हैं पता है आपको अक्षर भाई? जी इंटरनल तो जो कंपनी के अपने अंदर के वो होते हैं ना। बिल्कुल मतलब, बिल्कुल। और एक्सटर्नल क्या होते हैं? एक्सटर्नल जो बाहर के होते हैं वो कंपटीटर्स वगैरह। और शाबाश शाबाश। अच्छा अब ये बताओ कि स्ट्रेंथ जो है इंटरनल है एक्सटर्नल है वो उसमें वो सब बात है फिर। Exactly. Strength internal है external है? Strength सर ये तो internal है सर। और weakness? Weakness सर ये भी internal है। Opportunity? Opportunity सर external है। और threat? ये भी external में आता है। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही सही बताया। अच्छा जी. अब आपका business क्या था? मेरा वो सर ये वो मैंने आज शीन पर किया था, किया है ये क्लॉथिंग
समझाने क्या कहता है ये अर्शिन यार मुझे सही इसका पता नहीं जी सर ये बिजनेस कहता क्या ये बताएंगे आप सर ये वो कपड़ों का बिजनेस है ना ओके ओके अच्छा अब इसके लिए ऐसे स्ट्रेंथ क्या लिखी है आपने जबानी बता दे मुझे आप जो आपको याद आती है स्ट्रेंथ मैंने सर उनके लिखा है कि इनके वो फिजिकल शब्द भी है दो तीन और ये ऑनलाइन भी वो इनका वेबसाइट और फेसबुक पेज वगैरह ये ऑनलाइन डिलीवरी भी ये करते हैं और इसके अलावा मैंने लिखा है कि लग्जरी क्लॉथिंग अच्छा वीकनेस वीकनेस सर मैंने इनकी लिखी है कि ये पेड प्रमोशन नहीं करते और अच्छा। फिजिकल शॉप्स जो है इनके और होने चाहिए ओके अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी में भी सर मैंने यही मेंशन किया है कि इनको सोशल मीडिया और ये डिजिटल मार्केटिंग पर वो करना चाहिए एक मिनट रुकते हैं आपको गलती समझ में आ गई अपनी नहीं सर नहीं आपने अपॉर्चुनिटी में लिखा है कि इन्हें सोशल मीडिया करना चाहिए ऐसे ही है जी जी तो अपॉर्चुनिटी के अंदर आप इंटरनल बात लिख ही नहीं सकते आपने लिखनी एक्सटर्नल बात है अच्छा सर समझे नहीं समझे समझ गया हाँ तो आप ये मतलब ये इंटरनल हाँ जी बिल्कुल आपने इंटरनल बात कह दिया था आपने इधर लिखी एक्सटर्नल थी अच्छा वो कोई अपॉर्चुनिटी लिखी है अपॉर्चुनिटी फिर मैंने यही लिखा है कि इनको ये वो फिजिकल शॉप जो है ये एक्सटेंड करने ज्यादा करने चाहिए मतलब ये भी गलती समझ में आ गई आपको ये भी नहीं होने चाहिए नहीं ना हमने फेक कंपनी की बात कर दी है इनकी फिजिकल शॉप ज्यादा है ये अपॉर्चुनिटी नहीं है ये आप इंटरनल अच्छा। बात बता रहे होते हैं अच्छा सर समझ गए आप चलो अब थ्रेट के लिए ऐसे बताओ थ्रेट क्या लिखी है आपने तो मैंने लिखे कि ये कंपटीटर्स इनके हैं इनके मार्केट में ओके दो तीन का नाम भी मेंशन किया है अच्छा हो और सर मुझे तो अभी याद नहीं लेकिन क्या लिखना चाहिए सर चलो कोई नहीं आप थ्रेड में आपने जो लिखा ना कंपटीटर तीन चार ऐसी जगह लिख दो कि कंपटीटर की जैसे ना प्राइसेस जो है बहुत ज्यादा कम है या उसमें प्रॉफिट मार्जिन कम है ये थ्रेट है ठीक है जी इसमें आप एक्सटर्नल बात कर रहे हो बट आप थोड़ा डिफाइंड तरीके से बता रहे हो ठीक है बाकी आपने अच्छा काम किया बुरा काम नहीं है बस ये दो तीन गलतियां इन्हें ठीक करके दोबारा सबमिट करो और जो रिव्यू आता है वो फिर मेरे साथ स्क्रीनशॉट के साथ शेयर कर देना स्लैक के ऊपर मैं वो आपको हेल्प कर दूंगा ठीक है वो उधर सर मैंने आपके साथ शेयर किए भी है ये मैं भाई दोबारा जो गलतियां की ने ठीक करके दोबारा सबमिट करूंगा अच्छा अच्छा ठीक है सर ओके सर ओके सर ओके भाई ओके सर थैंक यू आप ये गलतियां एक बार ठीक करना और करने के बाद सबमिट करवाना जी सर वो अप्रूव हो जाएगा बट सर यहां कुछ कहना चाहूंगा जी जी बताओ आके बताओ आपने डेडलाइन 25 के बताया ना तो मैं भाई मुझे मशवरा दूंगा आज 11:12 से पहले चेक कर लें तो एक घंटे तक आप ये सबमिट कर लेते हैं हां मैं अभी करता हूं ना 11:12 से इंशाल्लाह पहले सबमिट कर पहले कर लेना तो ये ज्यादा चांसेस है कि आपको एक घंटे के बाद रिव्यू आ जाएगा क्योंकि मेरे साथ ऐसा दो बार हुए ऐसे ही एक घंटे जी बिल्कुल अभी ऐसे ही करता हूं ग्रेट सजेशन आपके भाई ऑलवेज अ प्लेजर हैविंग यू कोई और क्वेश्चन किसी भाई का अक्षय भाई कोई और क्वेश्चन नहीं आपका नहीं सर और तो बस नहीं है चलो गुड हो गया थैंक यू फॉर योर टाइम थैंक यू अक्षय भाई अकीब भाई मिस्बा भाई थैंक यू सर का बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू ख्याल रखिएगा यार थैंक यू सर वेलकम अपना ख्याल रखिएगा एवरीवन अल्लाह हाफिज़